हेलो ऑल ऑफ यू वेलकम टू इंटरमीडिएट और आप लोग का पेपर वन दैट इज एडवांस अकाउंटिंग जो लाइव वाले स्टूडेंट है वो जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो लाइव वाले स्टूडेंट है और आप जल्दी जल्दी बताएंगे कि आवाज क्लियर है यस yes, सर हर चीज प्रॉपर है यस ऑडियो वीडियो यस ओके सो हम लोग यहां पे शुरू करते हैं हम लोगों का सीए इंटरमीडिएट का पहला पेपर दैट इज एडवांस अकाउंटिंग सो so, आप एक अच्छी सी आज एक नोटबुक ले लेंगे आप फोर पेजेस की मैं सारी चीज आपको बताऊंगा और लेकिन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इस पेपर के बारे में कि पेपर पैटर्न क्या है आप लोग का सिलेबस क्या है क्या अप्रोच रहेंगी कौन सा स्टडी मटेरियल है आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है यस ओके सो so, आप जो मैं चीजें लिखूंगा वो सारी चीजें आपको लिखना रहेगा अगर फिलहाल आप लोग ने नोटबुक कोई नहीं परचेज किया तो आप लोग क्या करेंगे एक कोई पेज पे या कोई कॉपी पे अभी लिख लेंगे और बाद में उसको प्रॉपर एक नोटबुक अगर आज आप करोगे तो उस पे वहाँ पे आज तो में लिखेंगे। okay. so, आप लो का सीए फाउंडेशन लेवल पे भी पेपर वर्क होता था अकाउंटिंग जैसे वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था एक वैसे यहां पर भी एडवांस अकाउंटिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोग सी इंटर लेवल पे सी ए इंटर लेवल पे अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें पेपर वन दैट इज एडवांस अकाउंटिंग ओके इसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करें अभी सिलेबस आप लोगों का दो कैटेगरी में बटा हुआ है कितनी कैटेगरी में बटा हुआ है दो कैटेगरी में बटा हुआ है पहली कैटेगरी आप लोगों की होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहली कैटेगरी कौन से आप लोगों की अकाउंटिंग और आप लोगों को टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ट्वेंटी नाइन कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं आप के टोटल आप लोगों को ट्वेंटी नाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ट्वेंटी नाइन ए एस जब भी मैंने ए एस का दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओके तो टोटल आप लोगों को 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें से दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अबॉलिश हो चुके सो so, अगर 29 में से दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एबॉलिश्ड हो गए एबॉलिश्ड का मतलब जो अब आप लोग के सिलेबस में नहीं है सिलेबस में क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओके वो है ही नहीं वो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो इसमें से मैं हटा दू तो एक्चुअल में आप लोगों को कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है ट्वेंटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा दो और छोटे छोटे कोई कंसेप्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड

तो टोटल आप लोगों को ट्वेंटी नाइन चैप्टर है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक सीरीज है, आप की, वन, जो आप है और दो आपको शुरुआत में दो और चैप्टर्स भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज में पढ़ना रहेगा सो तो टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ना ट्वेंटी नाइन लेकिन कहने के लिए लग रहा है कि ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स है लेकिन सारे ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स है लेंदी नहीं होते वो उसमें से कुछ लेंदी और कुछ छोटे छोटे होते काफी सो so, पे 20, आप आप लोगों ने आपके इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ दो और कोई को पढ़ना रहेगा अब सेकेंड पार्ट आप लोगों का जो होता है अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यह मैं इसको कह दू कंपनी अकाउंट का हम लोग पोर्शन है के, या अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप लोग करेगा अब एग्जामिनेशन में आप लोगों को इसके ऊपर वेटेज में आपको बताऊंगा कितना किस टॉपिक पे कितना हम लोग को वेटेज है लेकिन हम लोग अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड necessary... बात करें तो आप जो पढ़ना हम लोग आएंगे लेकिन ऐसे चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स होते होते हैं हैं इसमें से से ये 27 में से ऐसे चार अकाउंटिंग जो मैं यहां पर ही कवर करता हूं ठीक है 27 में से आपके चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो हम लोग अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन में ही कवर करते वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन उंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी अभी ये चार अकाउंटिंग स्टैंडर्स देखना है कि ये जो चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चार अकाउंटिंग स्टैंड थोड़े से लेंदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं तो उन लोगों को यहां पर ना कवर करते हुए हम लोग कहां पर कवर करेंगे एक अलग से आप लोग को मैं बुक के बारे में भी कहूंगा तो एक अलग से आपको जो बुक प्रोवाइड दो आप लोगों को तीन बुक टोटल बुक है आपके पास पहली बुक है एक बुक, इसके बारे में मैं आपको बोलूंगा बहुत ही यूनिक बुक है इसके बारे में आपसे थोड़ी देर में कहूंगा और दो आप दो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिले कितने को मिले दो क्वेश्चन बैंक मिले ओके okay? इसमें दो पार्ट पार्ट है आप लोगों के पहला जो कि क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स आपको दिए हुए किसके ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन और आंसर्स दिए हुए और एक आप लोग दूसरा क्वेश्चन बैंक जो रहेगा जिसमें अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए तो यहां पे आप लोगों को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला आपका एक पोर्शन है और अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला एक पोर्शन है इवन दो ये अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन है तो भी चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होते जो हम लोग यहां पे कवर करने वाले ऐसा क्यों कर रहे सर क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको इन चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन पूछती है ओके तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन आपको चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि लेंदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते वो हम लोग इसी यहां पर इस पोर्शन में ही कवर करेंगे एग्जामिनेशन में जो वेटेज दिया गया आप लोगों को सीए इंटर लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर अगर वेटेज कहूं तो सीए इंस्टीट्यूट ने आपसे कहा कितना है आप लोगों का फिफ्टी फाइव परसेंट टू सिक्सेंट इसका मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क ऑन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग ए एस थ्री एस थर्टीन ए एस फोर्टीन एंड एस ट्वेंटी वन जो कि लेंदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते ये चार थोड़े से इंक्लूडिंग ये चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका वेटेज कितना है फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव परसेंट सो यहां पे हम लोगों को इन अकाउंटिंग होता है जिसके बारे में मैंने आपसे अभी लिखा है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिला फिर चाहे फुल फ्लेज वाले जिसपे लेंदी क्वेश्चन आते इंक्लूडिंग दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही स् रिवेटेज अब इसके अलावा आपको सी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कहा है कि तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे वेटेज आप लोगों का रहेगा 30% टू 30 टू 35% कौन से वो तीन आपके चैप्टर से उसमें से एक चैप्टर आप लोगों का है एक चैप्टर आप लोगों का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप डायरेक्ट रूट एंट्री से या तो फिर आप लोग फाउंडेशन लेवल से है तो आपने फाउंडेशन लेवल पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े लेकिन वहां पे किसका पढ़े आपने वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का पढ़े या पार्टनरशिप फॉर्म का आपने कभी पढ़े होंगे एक चैप्टर आप लोगों का बायक ऑफ सिक्योरिटीज बाय ऑफ सिक्योरिटीज ओके और आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन

ब्रांच so, अकाउंट पे आप लोगों का जो वेटेज है आप लोगों का ब्रांच अकाउंट पे ज्यादा नहीं फाइव टू टेन परसेंट आप लोग का वेटेज रहेगा ओके यस आप लोगों का कितना वेटेज इस पे फाइव टू टेन परसेंट आप लोगों का वेटेज है किसके ऊपर ब्रांच अकाउंट तो आपका सिलेबस अगर हम लोग देखा जाए अप्रोच क्या रहेंगे हम लोगों की सबसे पहले हम लोग कौन सा मॉडल शुरू करेंगे आपके दो है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बैंक है एक इस पे क्वेश्चन बैंक है और एक इस वाले इन टॉपिक्स पे आपका क्वेश्चन बैंक है तो हम लोग किससे शुरू करेंगे हम लोग यहां से शुरू करने वाले यहां से शुरू करने वाले और सबसे पहले कौन सा टॉपिक करेंगे उस उसपे भी मैं आऊंगा लेकिन आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल भी जो प्रोवाइड करा गया स्टडी मटेरियल भी आप लोग को जो प्रोवाइड करा गया उसमें आप लोग ख्याल रखेंगे आप लोगों को तीन बुक टोटल तीन बुक प्रोवाइड करेगी कितनी बुक प्रोवाइड करेगी तीन बुक आप लोगों को प्रोवाइड करेगी अगर मैं आपके स्टडी मटेरियल के बारे में आपसे कह दू स्टडी मटेरियल अप्रोच क्या कैसे पढ़ना है और मैं आपको सच कह रहा हूं यह ऐसा सब्जेक्ट है आप इंटर लेवल पे भी 80 प्लस इसमें आराम से स्कोर कर सकते सिर्फ जो चीजें मैं कहूंगा उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा ओके ओके एक बार फिर से मेरे को बता देंगे लाइव वाले जो बच्चे की आवाज क्लियर है कि नहीं ओके अब आप लोगों का स्टडी मटेरियल में आप लोगों को टोटल कितनी बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी थ्री बुक्स आप लोग टोटल प्रोवाइड करेंगे कितनी बुक तीन बुक आप लोगों को थ्री बुक्स ओके okay? अभी कौन सी बुक है उसके बारे में मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम लोग को पढ़ना रहेगा ठीक है ठीके? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग रेगुलर बैच हम लोग कर है ठीके? हर स्टूडेंट रेगुलर बैच कर लेगा उसके बाद इंपॉर्टेंट एक बहुत चीज आती है दैट इज किस तरीके से करोगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती और उसके बाद आखिरी में आप लोगों के जो quick revision, जो क्विक आपके इमीडिएटली एग्जामिनेशन के पहले वाली जो पढ़ाई होती है उस वक्त कैसे गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रेगुलर बैच ही नहीं रेगुलर बैच के बाद आप रिविजन कैसे करोगे और रिविजन के बाद फिर आप लास्ट मोमेंट पे आप लोग किस तरीके से इमीडिएटली जो एग्जामिनेशन के पहले पढ़ना रहता है आप उसको जो मैराथन के नाम से कहो तो वो किस तरीके से करें

इस जो बुक है आप लोगों की कि इसमें आप लोगों को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके अलावा भी जो चैप्टर है फॉर मैं आपसे कहता हूं कि आज मैं आप लोगों के शुरू करने वाला हूं फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिनट ओके यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये चैप्टर मैं आपसे शुरू करने कर है। तो एक हैंड रिटन इसमें फॉन्ट यूज करा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के केस में मैं कहूं तो कीवर्ड्स आपको आंसर्स में कौन से यूज कर रहे हैं। तो इसमें सारे कीवर्ड्स जो आप लोगों के वो रेड कलर से हाईलाइटेड है रेड कलर से हाईलाइटेड है तो आप लोगों की जिस बुक बुक में इसमें इसमें आप लोगों की एक है इसमें 100 concept, concept लिखी हुई उसमें क्वेश्चन नहीं है उसमें हंड्रेड आप लोगों के कंसेप्ट कवर है हंड्रेड परसेंट कंसेप्ट कवर है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी मल्टीपल रिवीजन के लिए मल्टी पहली चीज इसमें आप लोगों के हैंड रिटन फॉन्ट है ठीक है हैंड रिटन फॉन्ट है सेकेंड आप लोगों का इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप कह सकते हैं की वर्ड आप लोगों के की वर्ड्स कौन से कलर में की वर्ड्स आप लोगों के रेडिंग में है ठीक है की वर्ड इसमें रेडिंग में और इट विल हेल्प यू फॉर मल्टीपल रिविजन सर ये मल्टीपल रिविजन के लिए कैसे हेल्प करेगा इस चीज को अच्छे से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता है कि आप लोगों को वर्ड्स आपके दिमाग में रहना चाहिए ओके okay? और इस बुक में आप लोग देखोगे इसको इस तरीके से बनाया गया कि कम पेजेस में आपके कंटेंट सारे रहे हंड्रेड परसेंट कवर करें लेकिन इट विल हेल्प यू फॉर मल्टीपल रिविजन अब मल्टीपल रिविजन हम लोग कैसे करेंगे यहां पर इसी बुक में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई शुरुआत में दैट इज प्लानर दैट इज प्लानर अब प्लानर में क्या करना हम लोगों को प्लानर आपको दिया तो यहां पर एटलीस्ट एग्जामिनेशन के पहले आपके खुद के

मैं आपको पहले कंसेप्ट सारे समझाऊंगा और कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चन पाएंगे और जो भी आज पढ़े हम लोग वो कल का सेशन जब शुरू होगा उसके पहले मैं कल के सेशन में सबसे पहले जो हमने प्रीवियस डे पढ़े थे तो उसको हम लोग क्या करेंगे रिवाइज करेंगे तो अब ये एक एक चैप्टर में आपको क्लास में मल्टीपल टाइम रिवीजन होने वाला सो मल्टीपल टाइम हम लोग क्लास में तो रिवाइज करेगी लेकिन उसके अलावा आप लोगों की चार रिवीजन होना चाहिए हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि चार रिवीजन आप इनफैक्ट चार से भी ज्यादा आसानी से कर सकते हो वो कैसे पहली चीज आप लोग की क्लास के रिविजन में इसमें कवर ही नहीं करो जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं जो कि हम लोग मल्टीपल टाइम हम लोग क्लास के रिविजन टाइम हम लोग क्लास लो, के क्लास में रिविजन हम लोग करने वाले लेकिन उसके अलावा चार रिवीजन हाउ इट कैन बी पॉसिबल सर कि चार रिविजन इनफैक्ट चार में बहुत कम कह रहा हूं मिनिमम आपके चार रिवीजन खुद के होना चाहिए आप लोगों का पहला रिवीजन कब होगा कि जब आप क्लास में हम लोग जैसे ही चैप्टर होगा आपकी हर संडे को टेस्ट होते जाएगी तो जब हर संडे को टेस्ट होगी तो आप लोगों को रैपिड जिस से ही रिवाइज कर रहेगा उसमें ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं जो आप लोगों की इस बुक में कवर नहीं है 100 परसेंट सारे कंसेप्ट आप लोगों के कवर है एंड इट विल हेल्प यू फॉर मल्टीपल रिविजन आपको मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज कर सकते आप फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर सपोज हम लोग ने करें और आप लोग एक संडे को उसकी टेस्ट है तो जब आप संडे को उसकी टेस्ट दोगे तो आपको यह ख्याल रखना रहेगा कि आपको रेपिड से आपने फॉर एक्ल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर है तो आपने जिससे यहाँ पे इसको तो आपने से पे पे उसको रिवाइज कर आपको टिक देना रहेगा इस बुक में आपने उसको टिक कर दी कि आपका रिविजन हो गया एक रिविजन आपका भी। और आपने उसकी टेस्ट दी वो रिविजन मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं जो मैं आप लोग को क्लास में रिवाइज कराऊंगा मल्टीपल टाइम मतलब ऐसा टोटल रिवीजन बोले तो सात आठ बार आपका हो जाएगा क्लास में दो तीन बार तो मैं आराम से करा दूंगा रिवीजन अब यहां पे आप लोगों ने टिक करे कि वो अब बचे हुए दो कब होंगे हमारे फिर अब आप लोग टोटल आपके कितने हैं आपके फोर तो अब आप लोगों के, तो के साथ साथ क्लास में तो मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा के दिया लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने क्या करे कि जो टेस्ट या आपका रिवीजन सेकंड और थर्ड है तो आप एक दोगे फुल सिलेबस के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर आप देंगे मॉक टेस्ट पेपर वन और मॉक टेस्ट पेपर जब आप टू देते उसके और सी इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करता है वो जब फुल सिलेबस हो जाएंगे उसके बाद मैं भी टेस्ट पेपर कंडक्ट करता हूं जब भी तो आपने दो मॉक टेस्ट पेपर आपको देना उसके पहले फुल सिलेबस आपको रिवाइज करना रहेगा तो आपका जब भी आपने जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर दिए तो आपने जो जो चैप्टर रिवाइज करते टिक करते जाएंगे पर तो एक आपका रिविजन हुआ अभी क्लास के साथ साथ ही आपका होगा दूसरा और तीसरा रिविजन आप लोग का मॉक टेस्ट पेपर जब आप देगी जब होगी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और फोर्थ रिविजन कौन सा आप लोगों का जो इमीडिएटली एग्जामिनेशन के पहले रहेगा अब किस क्या अप्रोच आप लोग की होना चाहिए कि जब आप लोग पहला रिवीजन जब आप लोग करोगे ये कब करोगे जो भी रेगुलर बैच में मेरी क्लास हो गई ये चैप्टर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो फिर आपका कमिंग संडे को टेस्ट है तो आप यहां से उसको यहां पे उसको यहां से ही आपको उसको concept, सारे कंसेप्ट रेपीड जिससे पढ़ना रहेगा और आप क्या करोगे आपने यहां पर टिक कर दिया फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ सपोज आप यहां पर आपने टेस्ट दी ए की तो आपने ए

तो आपने वो आपका फोर्थ रिविजन तो आपसे कह रहा है कि ये फोर रिवीजन आप लोग नहीं करें। इसके अलावा दो तीन बार रिविजन तो में मैं खुद ही करा दूंगा तो आप लोगों का कम से कम वहां पे छह सात बार टोटल आपका रिवीजन हो जाता है लेकिन आपके सामने चैलेंज होता है कि रेगुलर बैच के साथ साथ आपका रिवीजन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आप अपने कोई भी सीनियर से पूछना वो बोलेंगे आपको कि रेगुलर बैच तो हो जाएगी वो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन उसके बाद जो आपको एक चैलेंज आता है, जो कि बहुत बड़ा है आप आपको वहां पे आप छह सब्जेक्ट की क्लासेस कर भी लोगे लेकिन जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी अभी आपको चीज नहीं पता लेकिन जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी आपको ये वहां पर समझना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हम छह सब्जेक्ट के छह सब्जेक्ट को साथ में कैसे रिवाइज करें वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आप लोग तो लो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली क्योंकि इस बुक से आसानी से आप मल्टीपल टाइम आप लोग कर सकते हैं अब ये रहा यह रेपिड प्लानर के बारे में तो आपको इस तरीके से प्लानर को टिक करना रहेगा तो आप प्लानर पे भी आप लोग ध्यान देंगे और वहां पे आप लोग उसको प्रॉपर उस पर ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे अब आप लोगों को इसके अलावा एक हो गई आपकी रेपिड जिस बुक उसके अलावा आप लोगों को दो क्वेश्चन बैंक मिलेंगे कितने क्वेश्चन बैंक मिलेगी दो क्वेश्चन बैंक एक आपकी रहेंगी क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक ये बुक है आपकी क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों की एक यस क्वेश्चन बैंक बुक जो है आप लोगों की दो है जिसकी भी वर्नमेंट क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक वन एंड क्वेश्चन बैंक टू इसमें आपके कौन से चैप्टर्स रहने वाले इसमें आप लोगों के रहने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर आप लोगों okay? लो के अदर देन अकाउंटिंग वाले आपके चैप्टर रहे अब ये क्वेश्चन भी बच्चों के दिमाग में आता है क्या सर हम लोगों को ये जो क्वेश्चन बैंक है पहली जो कि आपकी ये क्वेश्चन बैंक बुक है ठीक है ये जो क्वेश्चन बैंक बुक है आप लोगों की क्या इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत है ट्रस्ट में आप लोगों को इसके अलावा एक भी क्वेश्चन कोई करने की जरूरत नहीं आईसी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर इसमें क्या क्या चीजें कवर है आप लोगों के आईसी स्टडी मटेरियल के ओके आईसीआई स्टडी मटेरियल के इसमें सारे क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मटेरियल के इसमें हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन कवर है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सेकेंड आप लोगों के जो रिविजन टेस्ट पेपर होते जिसको आप आर कहते रिविजन टेस्ट पेपर उसके भी सारे क्वेश्चन इसमें कवर है जिसे आरटीपी के नाम से बुलाते प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रीवियस प्रीवियस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन, ओके प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी इसमें कवर है हाँ ये हो सकता है कभी कभी एक ही क्वेश्चन आप लोगों को आईसी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है और कोई आरटीपी में दिया हुआ है तो वहां पे रेफरेंस दे देता है कि ये क्वेश्चन आपको आप लोग आईसी स्टडी मटेरियल में भी दिया है और आप लोग आर टीपी में दिया है या मॉक टेस्ट पेपर में दिया है ये प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी है ये सिमिलर क्वेश्चन आपको वहां पे वैसे रेफरेंसेस दिए हुए रहेंगे इसके अलावा आप लोगों के कुछ और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा मतलब हम लोग आईसी स्टडी मटेरियल तो हंड्रेड कवर कर ही रहे उसके साथ साथ हम लोग क्या करें रिविजन टेस्ट पेपर हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे और प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सारे यहाँ पे कवर हो गए और उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे मैं आपको बार बार कह रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की आप लोगों को यहां पे, पे आप लोगों को इसके अलावा कोई और चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है नो नीड टू रेफर नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक इसके अलावा आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसके अलावा कोई और चीज आपको रेफर करने की जरूरत है इसमें सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी ओके अब इंपॉर्टेंट चीज okay? अब यहां पे आपको जो चीज़ आपको पहला कि आप समझेंगे क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों को उस चीज को अच्छे से समझना एक होता आप लोगों का रेगुलर बैच एक होता आप लोग का उसके बाद फिर रिविजन कैसे करेंगे ऑफ इसके बाद आप लोगों का इमीडिएटली एग्जामिनेशन के पहले जिसका मैराथन या कोई और नाम से आप बोलो ठीक है अब मैंने कहा कि ये आपने रेगुलर बैच कर रहे हो आप अभी ठीक है अभी रेगुलर बैच आप कर रहे हो इसमें तो आपको हंड्रेड सारे क्वेश्चन करना रहेगा सारे क्वेश्चन कौन से रहे तो उसके बारे में मैं आऊंगा जो आपको अभी हर बुक में भी यहां ये जो आपका क्वेश्चन बैंक वन हो या क्वेश्चन बैंक टू है दो तरह के क्वेश्चन इसमें होते एक होते क्लास क्वेश्चन और एक होते होमवर्क क्वेश्चन तो आप देखोगे डेली में क्लास में क्वेश्चन करूंगा जो कि आपको मेरे साथ करना रहेगा और मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा और डेली वो होमवर्क भी आपको करना रहेगा तो डेली वो होमवर्क भी आप लोग करते जाओगे मैं आपको बोलूंगी क्लास क्वेश्चन मैंने किया जो होमवर्क में कोई अलग पॉइंट रहा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा और जब नेक्स्ट डे अगर कोई डाउट रहा तो जो गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट है वो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते और जो लाइव वाले स्टूडेंट है वो तो लाइव क्लास में पूछ सकते लेकिन गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट भी घबराना नहीं इसे हम लोग वहां पर हम कैसे पूछेंगे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते वहां पे मेरे को मैसेज करोगे तो वहां पर ग्रुप उसका बनाएगा ग्रुप में आप रहना जरूरी है। तो उस ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करिए आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करोगे वहां पर तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा जूम सेशन में आप फ्रिक्वेंटली कंडक्ट होते तो वहां पर आप डाउट पूछ सकते और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन परसेंट आपको डाउट्स नहीं है 99.99% .99 आपको डाउट नहीं आते .1 जो आते वो भी आप आसानी से मुझसे पूछ सकते ओके okay? सो so, हम लोग यहां पर थे कि अब जो आपको होमवर्क दिए तो क्लास क्वेश्चन मैं करूंगा और साथ में आपको डेली होमवर्क दिएगा वो होमवर्क आपको करना रहेगा अब यहां पे अप्रोच क्या होना चाहिए तो जब मैं क्लास क्वेश्चंस की बात करता हूं अब ये जो ऑल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इसमें क्लास क्वेश्चंस भी आ गए आपके क्लास क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व करूंगा क्लास प्लस होमवर्क क्वेश्चन ठीक है क्लास प्लस होमवर्क क्वेश्चन ये सारे सारे के मतलब क्लास क्वेश्चन मैं करूंगा होमवर्क आपको करना रहेगा ये सारे क्वेश्चन को करना है ओके okay, अब आप लोग ये बैच समझना क्या होंगे थ्री मंथस आपकी अराउंड बैच चलेगी आपकी बैच कंप्लीट हुई अब इसके बाद आप लोग ग्रुप टू की तरफ जाओगे फिर ग्रुप टू की आपकी क्लासेस होगी वो भी कंप्लीट होगी अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है आज आपको उस चीज का रियलाइज नहीं कर पा रहा लेकिन वो तो चैलेंज आपको आएगा आपके सीनियर से पूछना जब सारी क्लासेस हो तो जाती है हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं बहुत अच्छे से आपने क्लासेस करे और मोटिवेशन जो आपका फर्स्ट डे रहता है लास्ट डे तक आपका वही मोटिवेशन रेगुलर बैच पर भी होना चाहिए अब यहां पे आपने रेगुलर बैच सारे सब्जेक्ट की करें अब जो आपके सामने चैलेंज आता है वो चैलेंज आप लोगों का रहता है रिविजन का वो चैलेंज आप लोगों का कौन सा रहता है वो चैलेंज आप लोग का रहेगा कि रिविजन हम लोग रिविजन कैसे करें अब रिविजन में ख्याल रखना जो बुक आपका बहुत की रोल प्ले करने वाली दैट इज दिस बुक बुक ये ये आपका बहुत की रोल करने प्ले करने प्ले वाली आप लो ये बुक. इससे आप लोग लोग इससे मल्टीपल टाइम रिविजन आसानी से कर पाओगे आपको और उसमें ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं रहेगा जो आपका मिस हो गया इसमें सारे के सारे 100 परसेंट कंसेप्ट आप लोग के कवर रहेंगे और कोई भी ऐसी चीज नहीं कि आपसे मिस हुई तो आप मल्टीपल टाइम ये जो आपकी रेपिड जिस बुक है इससे आप इसको रिवाइज कर सकते हो हर कंसेप्ट को अब यहां पे आप लोगों ने रिवीजन के वक्त क्या करना रहेगा कि आ, यहां पर आप लोग को रैपिड जिस बुक तो पढ़ना ही रहेगा वो तो आप अभी से पढ़ते रहोगे और आप क्या होगा पता है आपको मल्टीपल टाइम जब आप उस बुक से रिवाइज करते रहोगे कंसेप्ट को तो आपके दिमाग में ना इमेजेस आ जाती है आपको ध्यान रहता हो पेज पे क्या लिखा है जब मल्टीपल टाइम आप एक ही बुक से पढ़ रहे हो तो उस बुक से time, तो आप मल्टीपल टाइम सारे कंसेप्ट आप मल्टीपल टाइम जब वहां से पढ़ोगे तो आपको आदत हो जाती है और वो चीज फिर आप जब यहाँ पे रिविजन करोगे सेकेंड में जो टाइम लगेगा उससे कम टाइम आपको थर्ड रिवीजन में लगेगा फोर टाइम उससे कम रिवीजन में लगेगा तो आपका समय क्या होते जाता है कम होते ही जाता है मैंने कम समय पे आपको वो रिवीजन आप कर पाते अब ये जिस तो करेगी साथ में इसके अलावा आपको एलएमएम करना रहेगा अब आपने कहा सर एलएमएम क्या होता है एल का मतलब होता है लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन

तो मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फिर सेवन एट ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो कि एलएमएम क्वेश्चन वट इज एल लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन मैं सच कह रहा हूं जब रिविजन वाला आप लोग का जब, जब

और होमवर्क क्वेश्चन में से ही रहने वाले लेकिन पूरे क्वेश्चन के वक्त नहीं पढ़ना रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सा जिसमें सारे हंड्रेड परसेंट भी आपके कवर हो जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपको रिविजन करना रहेगा ओके यहाँ पे कभी कोई सिमिलर क्वेश्चन रहे तो आपको रिवीजन के वक्त सिमिलर वाले क्वेश्चन आपको नहीं करना है ठीक है तो मैं आपको हर चैप्टर के आखिरी में ये क्लास क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन में से बताऊंगा कि एलएमएम कौन से लास्ट मिनट मास्टरी कौन से क्वेश्चन है वही आपको रिविजन के वक्त करना रहेगा अब आपने रेगुलर बैच तो आपने रेगुलर बैच यहां से देखे आपका जो रिविजन वाले जो लेक्चर आप लोग के रहे वो कहा वो भी यूट्यूब पे अपलोड रहते तो आप रिविजन वाले लेक्चर अगर आपको कोई टॉपिक में डिफिकल्टी गई या अभी क्लास शुरू हो रही है फिर आपका ग्रुप टू होता है फिर उसके बाद आप रिविजन शुरू करते हो तो ऐसा ना हो कि जब तक आप कोई चीज मिस हो गई है कोई चीज आप ध्यान में रही तो आपके रिविजन लेक्चर्स सारे चैप्टर्स के यूट्यूब पर अपलोड है और वो YouTube पे मैं रेपिड इसी से ही रिवाइज कराता हूं तो आप लोग के लिए रिवीजन करना बहुत आसान होगा कि आपने रेपिड जिस बुक है वहीं से मैं रिवाइज कराता हूं से पढ़े हो रिवीजन भी आप उसी से देख रहे हो तो आप आसानी से उसको रिवाइज कर लोगे और उसके बाद आपके सामने जो चैलेंज आता है कि एग्जामिनेशन के पहले आपका जो आप उसको मैराथन का नाम दो जो आप मैराथन हम उसको नाम देते हैं कि मैराथन जो आप लोगों की रहेगी वो भी मैं आपके इमीडिएटली जो आपका जो भी

ओके okay? और वहां पर भी आपने रेपिड जिससे पढ़े और मैंने आपको एलिमेम क्वेश्चन बताया थर्ड चीज जो होती है जो आपकी इमीडिएटली एग्जामिनेशन के पहले सपोज आपका ये एग्जामिनेशन है ये आपको एग्जामिनेशन पे देने जाना है तो ये एग्जाम के पहले आप लोग यहां पे जो थ्री डेज रहता है यहां पर भी आप लोगों को वही रैपिड जी और आसानी से आप बहुत अच्छे से उसको कर लोगे यहां पे रैपिड जी से आप पढ़ोगे प्लस आपको मैं एलिमेम क्वेश्चन में हाईलाइटेड पॉइंट आई मीन टू से आपने यहां पे सारे क्वेश्चन करे क्लास में फिर आप जब रिविजन करोगे यहां पे जब आपकी रेगुलर बात सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट होगी तो सिर्फ आप एलेमेम क्वेश्चन करोगे और रेपिड जिस आपको पढ़ा है यहां पे रेपिड जिस और आपकी एलिमेम क्वेश्चन में आपको हाईलाइटेड पॉइंट बनाना पड़ेगा वर्ड इज हाईलाइटेड पॉइंट बेटा वर्ड इज हाईलाइटेड पॉइंट कि आप एलेम क्वेश्चन में आपने देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कौन कौन से अलग पॉइंट है आपने सारे हाईलाइट कर लिया एंड ट्रस्ट में जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको यहां पे आसानी से चीज चीजेंगी तो रेगुलर बैच आप जो वीडियोस देख रहे हो आपने यहां पे देखे उसके बाद रिवीजन लेक्चर जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये कहां पे हो जाएंगे यूट्यूब पे आपके अवेलेबल रहेंगे और मैराथन ये भी आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी तो आप लोग वहां से यूट्यूब से देखेंगे और फिर आप मैराथन एंड देन यू विल गो फॉर एग्जामिनेशन तो ये इस तरीके से आपकी अप्रोच होना चाहिए सिर्फ यहां पर ही आपने रेगुलर बैच कर ली और हो गया उससे कुछ नहीं होगा रेगुलर बैच के अलावा ये कॉम्बिनेशन आपका रिवीजन और लास्ट रिवीजन जो इमीडिएटली बिफोर द एग्जामिनेशन रहता है वो रहना जरूर वो करना आपको जरूरी ये आपकी अप्रोच होना चाहिए ट्रस्ट में ट्रस्ट में आप लोग आसानी से 80 प्लस अकाउंट्स में स्कोर कर लोगे आसानी से एटी प्लस अकाउंट्स में स्कोर आप लोग कर लोगे अब एक चीज आप लोग ख्याल रखेंगे ये जो जिस तरीके बस जो मैं कह रहा हूं उसको आपको सुनना है मैंने आज का के क्लास में करा है वो आपने क्वेश्चंस करे मैंने आपको जो होमवर्क दिया आपको होमवर्क मस्ट है रोज होमवर्क करना रहेगा और मेरे को ऑब्वियसली मुझे ख्याल है कि आप लोग की तीन क्लास चली शाम तक आप लोग की क्लासेस रहती तो मैं आपको होमवर्क जब दूंगा तो उस चीज पे ध्यान रखूंगा कि कितने क्वेश्चन देना रहेगा लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो आपको रोज करा सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं करो जो आपकी बाकी भी सब्जेक्ट रहेंगे होमवर्क करना जरूरी है रिविजन करना जरूरी है तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा आपको सिर्फ रैपिड जिस बुक से कंसेप्ट देखना रहेगा बहुत कम समय पर आपका रिवीजन हो जाएगा लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया उसको आपको सॉल्व करना डेली करना रहेगा और मैं सच कह रहा हूं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे रेगुलर बैच तो कर लेते सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस करते और बहुत थक जाते और फिर सेल्फ स्टडी नहीं करते आपकी डेली सेल्फ स्टडी टू टू थ्री आवर्स होना चाहिए क्लासेस के बाद मैं कह रहा हूं आपने सुबह से शाम तक क्लास की आई नो दैट आप थक जाओगे क्लासेस जब आपकी खत्म होती शाम में आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना लेकिन आप लोगों को उसके बाद सेल्फ स्टडी दो से तीन घंटा करना जरूरी है बेटा आप अगर वो नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी क्लासेस तो कर लोगे लेकिन आपको चीजें रिकॉल नहीं रहेंगी सिर्फ अकाउंट्स की नहीं रहे सब सब्जेक्ट को मिला के करो आपने कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए शाम को दो से तीन घंटे के बीच में आपने देना चाहिए अब ये हम लोग बात करें कि आप लोगों का स्टडी मटेरियल आप लोगों को कौन-कौन सा प्रोवाइड करा जाएगा और आप लोगों क्या अप्रोच आपकी रहना चाहिए अब आप लोगों के आप लोगों लोगों की चीज पता है, कि पे पा, पता है कि इंटर लेवल पे आप लोगों को इंटर लेवल पे आप लोगों को यहां पे कंपलसरी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स के आने वाले किसके ऊपर कंपलसरी से कहा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंपलसरी इंस्टीट्यूट पूछेगी थर्टी मार्क्स के आप लोग के एमसीक्यूज आएंगे ठीक है कितने मार्क्स के आने वाले एमसीक्यूज एमसीक्यूज आप लोगों को थर्टी मार्क्स के आने वाले अब इसकी आप फिक्र बिल्कुल नहीं करना ये हम लोग क्लास में सॉल्व करने वाले ये एमसीक्यूज हम लोग क्लास में इसको सॉल्व करेंगे और थर्टी मार्क्स की फिक्र अगर आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से समझो और क्लास के क्वेश्चन अच्छे से करो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान रहेंगे कुछ भी नहीं रहेगा उसमें जो क्लास में पढ़े उसी पे एमसीक्यूज रहेगा तो ये हम लोग क्लास में सॉल्व भी करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा बहुत सिंपल रहेंगे आप लोग शर्त ये कि आप लोग ने रेपिड जिससे सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें उसके इस क्लास के सारे क्वेश्चन करें तो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ईजी और एमसीक्यूज ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके थियोरिटिकल रहेंगे वो क्वेश्चन मतलब उसमें कुछ न्यूमेरिक कैलकुलेशन भी रहेंगे तो जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि कमीशन का कोई कैलकुलेशन के तौर कह रहा हूं, कि कमीशन का कैलकुलेशन है तो आपको कमीशन का कैलकुलेशन पूछ लेगा और चार ऑप्शन दे देगी तो अगर आपने यहां पे क्लास में क्वेश्चन करते हुए समझो तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा और आप लोगों को अदर देन एमसीक्यू जो रहेगा अदर देन एमसीक्यू आपको अदर देन एमसीक्यू जो आपको रहेगा वो कितने मार्क्स आप का आपको रहेगा अदर देन एमसीक्यू आपको रहेगा अदर देन

अब यहां पे आज आप लोग को क्या कर अब यहां पे एक्सपेक्टेड है कि जो आपका MCQs जो आपका अदर देन एमसीक्यूज रहेगा क्वेश्चन रहेगा जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें आप लोगों को वो टेन मार्क्स का फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन एक इंडिविजुअल पूछ सकता है ये हो सकता है कोई आपने फॉर एग्जांपल एक सिंगल क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का पूछ सकता है ये कभी टेन मार्क्स का हो सकता है कभी छोटे क्वेश्चन फाइव फाइव मार्क्स के तीन क्वेश्चन वो पूछ ले दैट मे बी एनी कॉम्बिनेशन वो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन का हो सकता है अब आज आप लोगों को जाके क्या करना है एक बेहतरीन सी आप लोगों को नोटबुक परचेज करना कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है कि बेहतरीन सी आज आपको क्या करना है? आप कितने की नोटबुक लोगों की है ये आप लोगों की 400 की होना और थोड़ी सी बड़ी आपने लेना क्यों क्योंकि आपको मार्जिन ड्रॉ करना था अकाउंट्स ड्रॉ करना था उसमें स्पेस ज्यादा लगता है तो आज आप जाके क्या करेंगे एक नोटबुक परचेस करेगी

तो मैं करूंगा साथ में जो होमवर्क वाले क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इसी में करना रहेगा तो रहे इसके अलावा अभी कहने वाली बात नहीं आप इंटर के स्टूडेंट आपको सारी चीजें पता है सेम कैलकुलेटर यूज करना मतलब कैलकुलेटर आपने चेंज नहीं करना अभी कहने वाली आपको बात नहीं है, आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हो फाउंडेशन से आपको आइडिया कि कैलकुलेटर जो आपने यूज कर उसको चेंज ही नहीं कर रहा क्यों नहीं चेंज कर रहा क्यों हम लोग आदत मतलब एक कैलसी में आदत हो जाती है आपको पता है ये चीज जब आदत हो जाती है तो फिर स्पीड से हम उसमें कैलकुलेट कर पाते तो आपने सेम कैलकुलेटर यूज करना अब आज आप मार्केट पे जब जाएंगे तो आपने कुछ आपको आपने यहाँ पे एक नोटबुक तो परचेज करे आपने फोर पेजेस की साथ में आप लोगों को कलर पेन लेके आना ठीक है कलर पेन लेके आना कौन सा नॉर्मली जब मैं क्लास में लिखता हूं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ तो आप ब्लैक या ब्लू जो भी आपको यूज करना है जो आप नॉर्मल चीज जब भी कोई लिख रहे हो तो आप इसको यूज करेंगे ठीक है नॉर्मल चीज आप जब भी लिख रहे हो तो आपको ये यूज करना रहेगा लेकिन जब भी मैंने कोई रेड इंक मैंने अगर रेडिंग यूज किया तो आपने समझ जाना आपको भी रेडिंग यूज करना रहेगा या तो फिर कभी हो सकता है कि न्यू एडजस्टमेंट आए तो मैं कोई रेडिंग यूज कर लेता हूं या मुझे लगा कि कोई कमेंट है कोई एक्सप्लेनेशन है तो मैं वहां पर रेडिंग यूज कर लेता हूँ तो वहां पे आपको भी जो कलर मैंने यूज किया वो कलर तो मैंने आपको ब्लू यूज किया तो आपने वो करे मैंने जब रेड यूज किया तो आपको रेड यूज करना रहेगा तो ये इस तरीके से आपको चलना रहेगा आपने इन चीजों को फॉलो हम लोग को करना रहेगा अब जैसे मैं कहूंगा बस वैसे ही आपको करना रहेगा एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट अकाउंट आप जहां पर भी पढ़ते हो उस जहां पर पढ़ते हो उसके सामने टेबल के ऊपर लिख दो आप लोग टेबल के ऊपर लिख लो कि एटी प्लस इन अकाउंट एटी Plus in accounts. ये must है और पासिंग मार्क्स फोर्टी मार्क्स हो गए you know लगता है passing 40 marks हो गए लेकिन मान के चलो कि हमारे लिए है ही नहीं ऐसा ही सोच के कि अकाउंट्स में फोर्टी मार्क्स पासिंग है ही नहीं अकाउंट्स में तो हम लोग के एट्टी प्लस ही पासिंग मार्क्स है तो अकाउंट्स में आप लोग का पासिंग मार्क्स कितना रहने वाला है आपको यही मान के चलना है कि अकाउंट्स में आप लोग का पासिंग मार्क्स रहने वाला है एटी प्लस ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो तो अकाउंट में हम लोग की पासिंग मार्क्स है एट्टी प्लस है वही है आप ये सोचना कि इंस्टीट्यूट में अगर हमको अकाउंट इंस्टीट्यूट को अगर हमको अकाउंट में पास करना है सी एग्जामिनेशन इंटर में तो एट्टी मार्क्स है और वो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर नहीं होता जैसे टैक्स हो गया आपका लॉ हो गया लेकिन अकाउंट्स में स्कोर करना आसान होता है एज कंपेयर टू टैक्स और लॉ उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं लेकिन उसके कंपेयर में अकाउंट्स में स्कोर करना आसान होता है अगर आप जो मैं कहूं उन चीजों का प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आसानी से आप लोग 80 प्लस स्कोर कर लोगे और आपने जब 80 प्लस स्कोर इसमें कर ली यू नो इट के ग्रुप वन में तीन पेपर है सब में आपका इंडिविजुअल आपको फोर्टी फोर्टी मार्क्स लाना है एग्रीगेट फिफ्टी हमारा होना चाहिए तो थ्री मार्क्स का आपका ग्रुप वन है तो इसमें आपको 150 एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप सोचो 150 में से तीनों पेपर मिला के लेकिन आपको अकाउंट्स में आपने इतना ला ली तो आपने बाकी में पास भी हो गए तो ग्रुप वन आपका क्रैक हो जाएगा ठीक है तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ उसमें पास होना है लेकिन अकाउंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ओके तो इन चीजों का आप लोग ख्याल रखेंगे और जो मैंने अप्रोच आपको बताया इसी अप्रोच से हमको आगे चलना रहेगा अब क्योंकि फर्स्ट लेक्चर कुछ बच्चों के पास बुक्स अभी तक नहीं आई तो मैं आप लोगों को जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसी गूगल ड्राइव के लिंक में मैं क्या करूंगा जो आप लोगों का रैपिड जिसमें आप लोग को पहले सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए मगर मैं आपसे शुरू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज है आप लोग की वन सो वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज है लेकिन मैं आपसे शुरू कर रहा हूं यहाँ पे जो आप लोग का सेकेंड है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर पहले मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप लोगों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका एक फॉर्मेट होता है तो उस फॉर्मेट को हम लोगों को ध्यान उस फॉर्मेट को हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से उसका फॉर्मेट हमारा होना चाहिए क्योंकि आपने जो अभी तक के फॉर्मेट बनाए वैसा फॉर्मेट यहां पर रहने वाला नहीं है तो आप लोग जो जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गए या आप लोग की पार्टनरशिप फॉर्म हो गए वो फॉर्मेट यहां पे नहीं रहता अब फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा तो वो फॉर्मेट बार बार दूसरे चैप्टर्स में भी आता है बाय बैक चैप्टर में भी आएंगे आपका अमल कमीशन में आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंसोलिडेशन वो फॉर्मेट बार बार आता है तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले पे कि पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर से शुरू करेंगे ओके तो रैपिड जिसमें आप लोगों ने पेज नंबर वन जीरो वन में दिया वन जीरो वन में दिया, में दिया आप लोगों ठीक है सो वन जीरो वन में जाके शुरू करेंगे यहां से कंसेप्ट हम लोग सारे बात करेंगे और आप लोगों को क्या करना रहेगा जैसे सो यहाँ पे पेज नंबर वन जीरो वन ये रहा आपका ठीक है yes. यस तो ये आपका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी लेकिन यस yes. एक और चीज जो लाइव वाले स्टूडेंट है आपको लाइव वाले है गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट सब लोग को लिखना रहेगा ठीक है सब लोग प्रॉपर लिखेंगे तो जो भी चीज मैंने यहां पे लिखा ये आप का डे वन था ये आप लोगों का डे वन था तो जो भी चीज मैं कह रहा हूं आपको लिखना जरूरी है ओके लिखना जरूरी इस चीज का आपने ख्याल रखना तो ये आप लोग का डे वन था ठीक है तो लिखना आपको जरूरी ठीक है अब यहां पे हम लोग आते हैं जो न्यू चैप्टर में शुरू करो दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वैसे क्लास में मैं आपसे सच कहूं कि क्लास में आप लोगों को मैं कंसेप्ट सारे कंसेप्ट में यहां से आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ये आपको रेपिड जिस से सारे कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा लेकिन उसके अलावा क्लास में जो चीजें रहेंगी कुछ मैं लिखूंगा आपको सारी चीजें लिखना है वैसे यहां पे मैं बहुत कम लिखूंगा क्यों क्योंकि आपको रेपिड जिस में सारे कंसेप्ट दिए हुए अब आपको इसका इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको हेल्प ये बुक करने वाली पहले अब आप नोटबुक में अच्छे से हेडिंग दे Company, 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 और ख्याल रखेंगे संडे को उसकी टेस्ट होती है ओके तो आपको टेस्ट देना रहेगा तो वो भी आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया वहां पे उसमें अपलोड होते जाएगा और आपको टेस्ट देना रहेगा ओके अब ध्यान से इस चीज को समझते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या चीज हमारी होती है? आप कहोगे सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है हमने फाउंडेशन लेवल पे भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ कंपनी पढ़े लेकिन कंपनी का नहीं पढ़े तो क्या बेसिक अकाउंटिंग कभी चेंज होती नहीं बेसिक अकाउंटिंग कभी चेंज नहीं होती जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आते आई मीन टू से अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है अकाउंटिंग साइकिल आप कहो उसको या मैं उसको कहू अकाउंटिंग प्रोसेस उसको कहते के नाम से उसको हम बुला दे तो ये क्या चीज होती है? अकाउंटिंग साइकिल को या अकाउंटिंग प्रोसेस को सबसे पहले ये आपने फाउंडेशन लेवल पे ये ग्रेजुएशन के रूट्स तो आपने अकाउंटिंग की शुरुआत की क्लासेस में कभी पढ़े होंगे कि सबसे पहले एंटिटी होती है ओके okay? उस एंटिटी के क्या होते सबसे पहले क्या होता ट्रांजेक्शन के, के, हम के हमारे क्या होते उस के हमारे होते ट्रांजेक्शन और फिर ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता है तो उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग एंटिटी क्या करता है को रिकॉर्डिंग तो यह आप लोगों ने पढ़े होंगे कभी फाउंडेशन लेवल पे या आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पे कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में हो सकती है जैसे कि आप लोगों की ये हो सकता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड करा गया कैश बुक में रिकॉर्ड करा गया या जर्नल में रिकॉर्ड करा गया या अदर सब्सिडेरी बुक ओके अदर सब्सिडेरी बुक में इसको रिकॉर्ड करा गया तो आपने वो स... आ, आपने वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करें हो सकता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड करें हो सकता है आपने जर्नल में रिकॉर्ड करें या हो सकता है कि आपने कहां पर रिकॉर्ड करें उसको अदर सब्सिडरी बुक में उसको आपने रिकॉर्ड करें रिकॉर्डिंग के बाद फिर आप लोग क्या करते उसमें हम लोग लेजर बनाते और लेजर में हम लोग बहुत सारे अकाउंट्स बनाते ओके फिर जो आपने रिकॉर्डिंग स्टेज पे लिखे वो फिर रिकॉर्डिंग स्टेज पे जो आपने लिखे उसको फिर लेजर में लिखते उसे हम क्या कहते हैं? फिर उसे हम कहते हैं फिर पोस्टिंग पोस्टिंग ओके अब पोस्टिंग के बाद क्या करते थे आप लोग फिर वहां पे आप करते थे अकाउंट की टोटलिंग और बैलेंसिंग ठीक है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते थे और इसके बाद जो आपके अकाउंट की टोटल और बैलेंस आई उसका फिर आप लोग यहां पे बनाते थे उसके बेस पे आप बनाते थे फिर आप ट्रायल बैलेंस क्या बनाते थे बच्चों ट्रायल बैलेंस तो आप कहोगे सर ये जो आप चीजें यहां पे लिखे ये तो हम लोग भी पढ़े फाउंडेशन लेवल पे या ग्रेजुएशन रूट पे बेसिक अकाउंटिंग है ओके okay, अब आपकी एंटिटी टी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग लेजर पोस्टिंग टोटलिंग एंड ट्रायल ट्रायल और अगर किसी की बेसिक अकाउंटिंग अगर शायद कोई स्टूडेंट की यहां पे बेसिक अकाउंटिंग उसे ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बेसिक अकाउंटिंग वीक है एकदम शुरुआत की अकाउंटिंग में कह रहा हूं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना सी ए जुबैर खान आपने सर्च करा वहां पे प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर सीए फाउंडेशन करके प्लेलिस्ट में एक बनाऊंगा तो सीए फाउंडेशन की शुरुआत की फिफ्टीन सिक्सटीन लेक्स ने देखा तो आपके बेसिक अकाउंटिंग सारे वहां क्लियर हो जाएंगे अगर अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता लगता है है जरूरी नहीं ऑब्वियसली इंटर लेवल पे हो, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग आपकी अच्छी होगी लेकिन अगर आपको लगता है, नहीं, बेसिक वीक है तो आप सीए जुबैर खान यूट्यूब चैनल पर जाना वहां पे प्लेलिस्ट आप देखना प्लेलिस्ट में एक फाउंडेशन सी ए फाउंडेशन की प्लेलिस्ट होगी शुरुआत की 15 16 लेक्चर्स आपने देखना तो आपकी बेसिक अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ओके अब आप लोग बनाते हो ट्रायल बैलेंस जैसी ही ट्रायल बैलेंस बनी लेकिन सर ये हम लोग ने आप कहोगे हम लोग ने फाउंडेशन लेवल पे ये ट्रायल बैलेंस हमको दी रहती थी आप लोग फाइनल अकाउंट फाउंडेशन लेवल पे बनाए तो वहां पे ट्रायल बैलेंस वो आपको दे रखते थे ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में देते थे और ट्रायल बैलेंस बेसिक अकाउंटिंग में बार बार कह रहा हूं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बनाओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बनाओ ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाओ बेसिक अकाउंटिंग कभी भी बदलती नहीं है

तो उसमें जो डेबिट बैलेंस कॉलम रहता है उसमें आप लोगों की या एसेट्स के और एक्सपेंसिस के इनके ही आइटम्स रहते हैं हमेशा क्या लगे कि आप लोगों के डेबिट बैलेंसेस किसके होते आपके एसेट के और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते और किसके क्रेडिट बैलेंस होते इनकम के लाइबिलिटी के और कैपिटल के आप लोगों के क्रेडिट बैलेंस होते तो जब भी मेरे सामने ट्रायल बैलेंस आती है तो मैं डेबिट बैलेंसेस जब मैं वहां पे बच्चों देखता हूं तो वहां पे डेबिट बैलेंस कॉलम में देखता हूं वो एसेट और एक्सपेंसेस ही होंगे उसके अलावा वहां कोई और बैलेंसेस नहीं होंगे और जो आपके क्रेडिट बैलेंसेस कॉलम जो रहेगा वहां पे उसमें या तो वो इनकम रहेगा इनकम लाइब्रेटी और कैपिटल ये तीन ही रहेंगे और ये तीन ही में से ही ये तीन ही रहने वाले आपके कोई क्रेडिट बैलेंस कॉलम में कोई एसेट और एक्सपेंसेस नहीं आएंगे

और ये जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देगा वो तो कहेंगे सर हमने ट्रायल जब हमने फाउंडेशन लेवल पे जो फाइनल अकाउंट बनाते थे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे वहां पे देता था अब आपको यहां तक सेम है अब यहां पे कुछ चेंज होगा आपको कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ये फाइनल अकाउंट जो आप कहते हो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ यहां पर बेसिक अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होना बेसिक अकाउंटिंग कभी चेंज नहीं होती जो बेसिक अकाउंटिंग है डेबिट क्रेडिट एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस ये बेसिक अकाउंटिंग कभी भी चेंज आपकी होने वाली नहीं है उसमें कभी कोई चेंज आने वाला नहीं अब जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया अब आपने फाउंडेशन लेवल पे या मैं कहूं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने लाइफ में कभी बनाएंगे या नहीं भी बनाएंगे तो यहां पे ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है प्रोप्राइटरशिप के बारे में कहूं मैं या पार्टनरशिप के बारे में कहो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बारे में कहो तो आपने ये ग्रेजुएशन लेवल पे कभी ना कभी इनका फाइनल अकाउंट बनाया सीए फाउंडेशन लेवल पे इसको आपने कभी ना कभी इसको बनाया हो ओके या आपने ग्रेजुएशन लेवल पे आपने इसके बनाया ओके अब यहां पे ये हो गया आपके पार्ट किसका हो गया प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अब उसके बाद यहां पर आता है कंपनीज के बारे में अब जो आप लोग सीए इंटर लेवल पे यहां पे कंपनीज के बारे में रहेगा कि हम लोगों को कंपनीज का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए तो क्या सर कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक अकाउंटिंग में कोई चेंज आया द आंसर इज नो बेसिक अकाउंटिंग में कोई भी चेंज उसमें आता नहीं है यहां पर क्या चीज होगी फिर चाहे आप लोगों की कोई भी कंपनी हो फिर चाहे वो पब्लिक कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो ये कोई भी कंपनी हो ओके सेक्शन एट वाली कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी कोई भी कंपनी सारी की सारी कंपनी ठीक है ऑल कंपनी को अपना ये फॉर्मेट आपको शेड्यूल थ्री फॉलो करना होता है कुछ एक्सेप्शन उसमें मैं कहता हूं शेड्यूल थ्री ये लोग फॉलो करते अब अगर आप लोगों को कोई एक्ट ने स्पेसिफाई किया कि यहां पे उन लोगों को फॉर्मेट फॉर एग्जांपल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बताया कि बैंक का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उनको शेड्यूल थ्री एप्लीकेबल नहीं रहता कोई स्पेसिफिक एक्ट कोई बताता है कि किस तरीके से क्योंकि हमेशा आप लोगों का यहां पे एक्ट अगर कोई कहता है आपसे कि किस तरीके से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए तो उस एक्ट को हमको फॉलो करना रहेगा फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है कि बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो उनको शेड्यूल थ्री एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो कोई भी लॉ

एंड जनरल इंस्ट्रक्शन ये हम लोग को देता है क्या देता है फॉर्मेट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोगों को ये देता है कि आप लोग फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए एंड स्टेटमेंट ऑफ एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है सो आपको क्या चीज कहता है कि ये शेड्यूल थ्री आपसे कहता है कि आप लोगों का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए किसका फॉर्मेट और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया उस समय किसके बारे में कह रहे हैं बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो कहते हैं कि बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप लोगों का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो आप लोगों का शेड्यूल थ्री कहता है तो शेड्यूल थ्री आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं सिखा रहा वो आपको सिखाता है सिलेबस में आपका नहीं है जो पार्ट मतलब सेकंड और थर्ड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन क्या चीजें लेकिन आइडिया है उसके बारे में मैं इतनी चीजें आपको सबको समझ में साथ साथ में मेरा आपको लिखना है आपको जो मैंने लिखा वो आपको लिखना रहेगा ठीक है तो गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत नहीं बोले सर क्यों दिक्कत नहीं बोले वो तो आप आपके पॉज आप करके लिख सकते हैं लेकिन आपने यही कोशिश करा कि मेरे साथ साथ आप लोग करोगे द रीजन इज दैट गूगल ड्राइव में मतलब बच्चे कई बार ऐसी गलती करते आपसे गलती ना हो कई बार ये गलती कर लेते कि आप लोग थोड़े से लीनियंट हो जाते हो मतलब अभी आपको पढ़ा रहा हो तो आप क्या कर रहे हो इस वक्त आप अपना मोबाइल लेते हो कभी कभी बीच में कोई मैसेज आ गया नोटिफिकेशन आ गया फिर उसमें लग जाते फिर उसमें दस पंद्रह मिनट खराब करे फिर वापस आते फिर प्ले आपके ऑप्शन होते तो आप उसमें समय नहीं बर्बाद करना तो अगर थ्री आवर्स का लेक्चर है तो उसमें मिनट्स का आपको ब्रेक मिलेगा बीच में तो थ्री आवर्स का आपका जो लेक्चर है तो उसमें आपका भी थ्री आवर्स में जितने जितने समय पर मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है आपका लेक्चर भी उतने समय पर होना चाहिए ओके और लाइव वाले स्टूडेंट कभी मैंने कोई चीज लिखा और आपकी मिस हो गई तो घबराना मत आपने उसका इस तो पे कर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप को कहना है कि सर ये वाला पॉइंट ओपन तो कर दूं, तो आप उसको लिख लेना थोड़ी देर पे अब आप लोग शेड्यूल थ्री एक्चुअल में कहता गया तो आप लोगों के शेड्यूल थ्री जो है आप लोगों का ये जो शेड्यूल थ्री होता है तो शेड्यूल थ्री क्या बताता है हम लोग को आपको शेड्यूल थ्री फॉर्मेट के बारे में बात करता है किसके फॉर्मेट के बारे में बात स्टेटमेंट कि हमारा किस तरीके से बनना चाहिए उसके बारे में 3 बात करता है ओके okay? अब उसके बाद पे और के के बारे में बात करता है। अब आप लोगों को यहां में शेड्यूल थ्री के तीन डिवीजन होते एक होता है आप लोगों का डिवीजन वन एक होता है आप लोगों का डिवीजन टू और इसका एक और होता है डिवीजन थ्री हम लोगों को यहां पे डिवीजन टू और डिवीजन थ्री से कोई लेना देना नहीं आपने बोले सर क्यों नहीं हमको डिवीजन टू और डिवीजन थ्री से कोई लेना देना नहीं एक्चुअल में ये एप्लीकेबल होता है एप्लीकेबल कौन सी कंपनी को जिनको इंडेस वाले एप्लीकेबल जो आपको फाइनल सी फाइनल लेवल है ठीक है एप्लीकेबल टू कंपनीज़ कंपनी फॉलो फॉलोज अब इंडियस अब इंडेस क्या होता है सी फाइनल लेवल पे आप लोग को और एंड एनबीएससी का आपको एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ठीक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अब हम लोग आते हैं डिवीजन वन जो हमारे से ये इंडियस इन लोगों को लगता है डिवीजन इंडियस वालों को डिवीजन टू लगता है बाकी कंपनीज को डिवीजन थ्री रहता है तो एनबीएफसी रहती है उनको फिर डिवीजन थ्री पे हो जाते हैं ठीक है थीके? अब मैं तो डिवीजन वन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ये किसका एप्लीकेबल होता है बेटा जो वो कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो मैं आपको एस जब हम लोग शुरू करेंगे आगे चल के जब मैं आपको सिखाऊंगा कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इंडियज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते लेकिन ये कौन से इंडिया जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उन कंपनीज को यह एप्लीकेबल इंडियज होते तो उन लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिविजन टू ने जो फॉर्मेट बताया उसके हिसाब से बनाना होता है लेकिन हम लोगों को यहां पर डिवीजन वन जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है आपको इंडेस का सीए फाइनल लेवल पे आप लोगों को अब आप लोग डिवीजन वन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेबल टू एप्लीकेबल टू कंपनीज उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे उन लोगों को कौन सा यहां पे उन लोगों को यहां पे डिवीजन वन आप ले बोला तो वही आपके सिलेबस का हिस्सा है इनडेज और ये, ये आपका फाइनल में आने वाला ठीक है अब यहां पर दो तरह की आपकी ये फाइन डिवीजन वन ने दो तरह के आपको यहां पे दो पार्ट उसमें करें पार्ट वन किसके बारे में बात करें पार्ट वन और आप लोगों का पार्ट टू एक बार मेरे को जल्दी से बता देंगे ठीक है जस्ट गिव मी वन मिनट ओके यस आवाज क्लियर यस सर यस सर सब चीज क्लियर ओके ओके तो आप लोगों के दो पार्ट है आप लोगों के तो डिविजन वन हम लोग सिर्फ ये दो पार्ट ये हमारा सिलेबस है ये हमारा सिलेबस है ये, तो ये कहता है आपने इवन तो ये पार्ट वन है हम लोगों का आदत रहती है थी कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते और फिर बैलेंस शीट बनती लेकिन शेड्यूल थ्री कहते हैं नहीं, नहीं 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 पहले आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है बोले सर ये क्या बात है तो ये हम लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है वो फॉर्मेट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में ये हम लोगों से कहता है अलोंग विथ इंस्ट्रक्शन अलोंग विथ अलोंग विथ इंस्ट्रक्शन अलोंग विथ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेरेशन फॉर प्रिपेरेशन ऑफ बैलेंस शीट तो यह हम लोग को फॉर्मेट तो बता रहे हैं साथ में यह भी कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते कैसे करना रहेगा तो हमको पार्ट वन किससे डील करता है पार्ट वन हम लोग का डील कर रहा है बैलेंस शीट से तो आप देखोगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो जब भी बैलेंस शीट रहेंगे उसमें पार्ट वन के नाम से बुलाते हैं और पार्ट टू जो आप लोग करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कहता है तो मैं उस पर जाता हूं लेकिन आप लोग जब बैलेंस शीट के बारे में जब आप यहां पर कहूं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो बता दो तो, फॉर्मेट पे हम लोग अभी जाने वाले अब हम लोगों को आदत रहती है कि आपने फाउंडेशन लेवल पे ये ग्रेजुएशन लेवल पे नॉर्मल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो टी फॉर्म में आप बनाते हो डेबिट में एक्सपेंसेस क्रेडिट में आप सारी इनकम लिखते हो लेकिन यहां पे क्या और बैलेंस शीट में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटी राइट हैंड साइड पे आप एसेट्स लिखते हो लेकिन यहां पे क्या वही फॉर्मेट रहने वाला द आंसर इस हम लोगों का यहाँ पे फॉर्मेट बदल जाता है इसको हम वर्टिकल फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करते तो अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर में सिखाऊंगा यहाँ पे कि ये जो फॉर्मेट आप लोगों का रहेगा बच्चों ये फॉर्मेट कुछ बदल जाता है अभी वर्टिकल फॉर्मेट में रहता है पहले आप सारी लाइबिलिटीज लिखी रहती हो फिर बाद में सारी की सारी एसेट्स रहती है तो यहां पे वो कहता है कि वर्टिकल फॉर्मेट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आप लिखते हो सारी की सारी यहां पे उसके बारे में आपको एक एक करके भी एक्सप्लेन करने वाला हूं थोड़ी देर में और फिर आप लोगों का आता है यहां पे एसेट्स फिर क्या आती है आप लोगों की एसेट और आप लोग यहां पे आएगा एसेट तो हम लोग को टी फॉर्म में आदत रहती है लेकिन अब वो किस फॉर्मेट में हो गया आपका

हम लोगों के यहां पे फॉर्मेट किस तरीके से आपको बनाना है प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हमको शेड्यूल थ्री बताता है उसमें चेंज आए कि फॉर्मेट में हम लोग चेंज आए उस पर हम लोगों को ध्यान यहां रखना है सेकेंड चीज जो आती है आपकी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट टू किससे डील करता है आपका पार्ट टू डील करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ यहां पे हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना कहते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसका फॉर्मेट पार्ट टू बताता है मुझे फॉर्मेट ओके अलोंग विथ अलोंग विथ अलोंग विथ जनरल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस ओके तो ये किसके बारे में कह रहे हैं ये हम लोगों को फॉर्मेट बता रहा है किसका प्रॉफिट एंड लॉस का तो ये प्रॉफिट पार्ट टू बताता है और हमारा पार्ट वन कैसे बताता है बैलेंस शीट के अब हम लोग एक एक करके बैलेंस शीट हम लोग शुरू करें लेकिन एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन जिसके बल्कि चांसेस बहुत कम है कि एग्जामिनेशन कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट और पीनल दोनों पूछा काफी मार्क्स के लिए पूछता है अगर आप फिफ्टीन मार्क्सटी हो सकता है आपको कि वो और शीट दोनों पूछते। लेकिन में ऐसा होता है कि तो बैलेंस शीट, शीट बनाओ या पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ मगर रेयरली हो भी सकता है कि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ ले, कि बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों बनाना है वो ज्यादा ऑब्वियसली हमसे पूछेगा तो ये हो आपका कि पार्ट वन डील करता है बैलेंस शीट से और पार्ट टू किससे करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपने बेसिक आइडिया दी कि हमको शेड्यूल थ्री से फॉर्मेट बताता है कि, कि किस तरीके फॉर्मेट हमारा होना चाहिए अब आप लोग चले जाएंगे आज ना मैं कुछ बच्चे जो जिनको अभी बुक्स नहीं मिली तो मैं क्वेश्चन बैंक का आप लोग का देखो क्वेश्चन बैंक आप लोग के दो है एक ये पार्ट वन पार्ट वन डील करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और ये पार्ट टू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले ठीक अदर देन है तो आपका पार्ट टू से पहले शुरू करें पार्ट वन अकाउंट हम लोग बाद में करने वाले ओके और आप लोगों को यहां वाला है, ये भी मैं गूगल ड्राइव के लिंक में आज, आज आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ाई में डिले ना हो जो रोज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको रोज वो पढ़ता रहेगा और क्वेश्चन बैंक का भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी आपको शेयर कर दूंगा अब पहले हम इसके कंसेप्ट आते अब स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आ जाती थी पहली चीज यहां पे कि वो उनको ये नहीं कई बार फॉर्मेट पे तो आता भी, एक एक चीज में आपसे डिटेल में आप डिस्कस करने वाला लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत यहां पर जाती थी कि यहां पर जब वो पढ़ते थे तो उनको ये लगता था कि सर यहां पे जो किस हेडिंग में आने वाला किस हेडिंग में हम लोग कौन सी चीज आने वाली तो यहां पर हम लोगों ने क्या करे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब भी आप देखोगे तो इसमें आपको नोट वन शेयर कैपिटल नोट्स अकाउंट हमको बनाना होता है तो जैसे नोट वन आया नोट वन तो जो नोट वन आप लोगों का आया तो ये नोट वन के बारे में शेयर कैपिटल के बारे में सारी चीजें जो आपको पता रहना चाहिए वो सारी चीजें यहां पे कवर है ठीक है जैसे नोट टू यहां पे कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में यहां पे सारी चीजें तो शेड्यूल थ्री कुछ चीजें कहता है वो सारे नोट में आपको लिखे हुए तो इट विल हेल्प यू फॉर मल्टीपल रिविजन मल्टीपल रिविजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा आपको सिर्फ यहां पे इस बुक इस को ही रेफर करना रहेगा तो आपको

कैसी बैलेंस शीट बनाने की आदत है आप लोगों को आदत है कुछ इस राइट हैंड साइड पे हम लोग एसेट लिखते लेफ्ट right हम लोग क्या, क्या लिखते हैं लिखते और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं लिखते. इस तरह आपको आदत है बैलेंस शीट बनाने की लेकिन यहाँ पे एसेट हो गए यू नो इट कि यहां पर हम लाइब्रेटी हेडिंग वहां लिखना कैपिटल

इक्विटी इक्विटीज लिखना है तो आपने देखिए यहां पर जो हेडिंग है आपको कैसी हेडिंग दिया? इक्विटी, तो मीन इक्विटी का मतलब होता है जो ओनर को हम देना है ये हो सकता है कि इक्विटी वाले नाम उसका इक्विटी है लेकिन हो सकता है जो ओनर को देना है इक्विटी शेयर कैपिटल वो आपसे आते तो क्या कोई नॉर्मल और कोई चीज को याद कुछ भी नहीं करा नॉर्मल बस जो मैं चीजें कह रहा हूं उसको नॉर्मल आपको जैसे डिस्कशन होता है बस उसको आपको सुनना है ठीक है रटना कोई चीज को नहीं बस नॉर्मल जो डिस्कशन तो उसको समझना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लाइब्रेड दोनों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं इक्विटी और लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है इक्विटी वो चीज होती है जो हम लोग को ओनर को देना होता है किसको देना होता है बच्चों जो ओनर को देना होता है तो उसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं वहां पे जो ओनर को देना है तो कैपिटल हो गया प्रॉफिट वाला हिस्सा हो गया जो हम ओनर को देखें लेकिन लाइबिलिटी और इक्विटी में आपका ये फर्क होता है कि आपका यहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है फॉर एक्साम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि लाइबिलिटी यू हैव टू पेड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने कहीं से लोन लिया तो मैं कहता हूं कि मैंने अगर कहीं से लोन लिया तो मुझे जो उस पर इंटरेस्ट देना है वो मेरा ऑब्लिगेशन है तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन मेरे को फिक्स उस पर देना ही है उस पर कोई इंटरेस्ट मेरे को देना ही रहेगा लेकिन जब ओनर को अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आप उसको डिविडेंड देते हो अदरवाइज नहीं होता आप उसको नहीं देंगे तो एक्चुअल में यहां पे और क्या डिफरेंस होता है आप लोका? आप का को ओनर के केस में उसको उसको वोटिंग राइट्स रहते लेकिन आपकी जो दूसरी लाइब्रेटीज रहती उनको वोटिंग राइट यहां पे रहते नहीं है तो मगर दोनों के दोनों के क्रेडिट बैलेंस अब आप कोई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि ओनर को मैं सपोज कोई कंपनी हूं तो मुझे ओनर को देना है या मेरे को किसी और को देना है देना तो मुझे दोनों को है फिर चाहे ओनर के टू वर्ड अगर ओनर कुछ देना है या मुझे किसी और आउटसाइडर को कुछ देना, है। देना तो दोनों को इसलिए दोनों के दोनों आपके दोनों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो दोनों ही लाइब्रेटी लेकिन एक ओनर्स की तरफ है तो हम उसको इक्विटी के नाम से कह रहे और जो बाहर वालों को देना उसको नॉर्मल लाइब्रेटी कह रहे अब शेड्यूल थ्री ने आप लोग को जो फॉर्मेट यहां पर बताया दिक्कत ये होती है बच्चों की जब एग्जामिनेशन में आप लोगों को फॉर्मेट किस तरीके से जैसा आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को ऐसा फॉर्मेट लिख के आना है ऐसा ही फॉर्मेट आपको लिख के आना रहेगा ठीक है थीके? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम लोग ये बात करते कि ओनर को हम लोगों को ओनर में क्या क्या चीजें कवर रहे तो हम उसे किस नाम से बुलाते है? बच्चों हम उसको बुलाते शेयर होल्डर्स फंड अब ध्यान से इस चीज को आप समझे आराम से मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा यहां पे उसको आपको ध्यान से एक एक पॉइंट को अपने को समझना रहेगा ओके एक बार फिर से मेरे को लाइव वाले स्टूडेंट बता देंगे सारी चीजें प्रॉपर चल रही ओके आई टू से आवाज आ रही है वीडियो सब प्रॉपर एक बार बता देंगे क्योंकि फर्स्ट डे आप लोगों का ओके नो नाउ हेयर शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर्स फंड तो आपने देखिए सबसे पहला नंबर किसका है शेयर होल्डर्स फंड तो शेयर होल्डर्स फंड के जो हमको ओनर को देना है किसको देना है बच्चों जो हम लोगों को ओनर को देना होता है और उसमें आप लोगों का पहला कौन सा है शेयर कैपिटल सो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ना ओनर लोग जो बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं यस ओके जो बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल कौन करे जो ओनर लोग करते अब देखो क्या होता है कि इससे रिलेटेड मैं आपको सारे पॉइंट यहां पे अभी एक्सप्लेन करो ठीक है अब शेयर कैपिटल में होता क्या है कि बच्चे आपको दिक्कत क्या जाएंगे वो मैं पहले से कह रहा हूं दिक्कत ये जाती है आगे चल के अभी तो आप फॉर्मेट अगर मैं डायरेक्ट में क्वेश्चन पे आ जाऊं तो आप सॉल्व तो कर लोगे लेकिन जब रिवीजन के वक्त समझ में नहीं आता कि सर कौन से आइटम को कहा लिखना होता है तो यहां पे आपकी सहूलत के लिए जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल हमको नोट्स और अकाउंट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी बनाना लेकिन शेयर कैपिटल में जो सारी चीजें आती है वो आप रेपिड जिसमें आप लोग देखोगे यहाँ पे पेज नंबर वन जीरो टू में आप जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल की सारी चीजें जो शेयर कैपिटल में डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट्स आपके यहां पे लिखे हुए तो मैं अभी सिर्फ आपसे कौन सा पॉइंट डिस्कस करूं शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको कुछ ही नहीं लिखना है कुछ नहीं बस मैंने जो ये क्लास में दो पेज लिखा ना अभी बस इतना ही लिखना था इतना ही लिखना वो भी बस जनरल आइडिया थी वो और यहां पर आपको सारी चीजें रेपिड जिसमें लिखी हुई है आपको कुछ ही नहीं लिखना रहेगा आपको मैक्सिम 99% परसेंट आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना तो क्वेश्चन कर बोला मैंने आपको जैसे यहां पे सिर्फ दो पेज कुछ लिखने का तो यहां पे आपने दो पेज सिर्फ ये लिखे वो भी सिर्फ बेसिक आइडिया आपको दिया सारी चीज आप लोग की रैपिड जिसमें आपका काम है कि जब मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना रहेगा उसको ध्यान देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग कम समय पे आई मीन टू से जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत समय नहीं जाना चाहिए कम समय पे सारी चीज कवर होना तो आप यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनो रैपिड जिसमें अगर मैं कुछ अगर आपके इस बुक नहीं आई तो इट्स ओके दो चार दिन में जब आपके इस बुक आ जाएंगी बेटा तो फिर आपको उस चीज को ख्याल दो चार दिन में जब आपके पास बुक आ जाएगी तो फिर आपको ख्याल रहेगा जो चीज मैं यहां पे लिखता हूं रैपिड जिसमें भी उसको लिखना जो रैपिड जिस और रैपिड जिसमें लिखा हुआ सारी चीज वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना रहेगा ओके तो पहला पॉइंट आप लोग का आता है अब ध्यान से सुनना है अभी लिखना नहीं ध्यान कोई कहानी चल रही है ऐसा सोचना और बस सुनते जाना है आपको ठीक है अब पहला पॉइंट हम लोग का आता है कि दैट इज शेयर कैपिटल तो मैंने कहा कि नोट वन में उसके बारे में कहा एक और चीज हम लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हिस्सा होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वो डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वोट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों के यहां पे तीन चीजें कवर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात अगर मैं कहूँ यहां पे कहा यहां पे लिख लू स्पेस ठीक है कुछ कम ना जाए ठीक है तो मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहता हूं यहां पे लिखता हूं मैंने कहा कि ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी टर्म आता है अब आगे के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इसके बारे में बात होगी लेकिन जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म आता है तो हमारे दिमाग में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कुछ बच्चे सोचेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपने बात नहीं करें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता सिर्फ फिर वो सेल कहां लिख वो पीएनएल में ही लिखा जाता है आपको सिखाऊंगा आगे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता शेड्यूल थ्री में ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम पीएनएल में ही लिखे जाते हैं ओके पीएनएल अकाउंट में ही आपको लिखना रहेगा ओके अब यहां पे जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ये वर्ल्ड आप सुनते हो तो ये आपको दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो और ये आपका अब के बारे में तो मैंने अभी तक आपसे कुछ कहा ही नहीं जब भी मैंने आपसे कहा कि शेड्यूल थ्री जब मैंने कहा आपसे शेड्यूल थ्री में मैंने आपसे कहा कि वो आपको बैलेंस शीट के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और हमको नोट अकाउंट जो होता है नोट अकाउंट वो भी आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है ये समझ में आता है सर कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोट्स अकाउंट वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है अब लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप कहोगे कि आपने तो कुछ कहे ही नहीं सर जब शेड्यूल थ्री आप कह रहे थे कि बैलेंस शीट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एक्चुअल में फ्लो स्टेटमेंट एक कंसेप्ट होता है जिसको कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री आगे हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर करता कौन कवर करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैशफुलेड्यूल तो थ्री का फॉर्मेट हम लोगों को शेड्यूल थ्री हमको बैलेंस शीट ठीक है शेड्यूल थ्री हम लोग को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कहता है कुछ चीजें कहता है जो आपको नोट्स अकाउंट में लिखना है, उसके बारे में बात करूंगा लेकिन वो शेड्यूल थ्री कहता है मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है लेकिन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग का यहां पे शेड्यूल थ्री कवर निकलता उसको अकाउंटिंग थ्री ने बताया कि फ्लो स्टेटमेंट आपको किस तरीके से बनाना है तो वो हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है इवन दो कैश स्टेटमेंट स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल का हिस्सा होता है तो भी करेंगे अब हम लोग वापस आते जो हम लोग को शेड जो कहता है पहले किसके बारे में बात कर बैलेंस शीट तो हमारा डिस्कशन आज बैलेंस शीट पे ही सिर्फ होगा और हमको एक दो दिन इसी पे ही क्वेश्चन सिर्फ करना रहेगा फिर पीएनएल अकाउंट के बारे में बाद में हम लोग डिस्कशन होगा तो मैंने कहा कि पहला पार्ट है आप लोगों लोग शेड्यूल थ्री में हमने बैलेंस शीट में हमने देखे कि शेयर होल्डर्स फंड में आपको कहता है कि शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में आप लोगों का ये कौन सा है नोट वन ये क्या है आप लोग का शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल में क्या है बच्चों आपका नोट वन तो नोट नंबर वन में मैं जाता हूं और हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कि ये शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती है अब सबसे पहले आपको यहां पर लिखा हुआ है अभी लिखना कुछ है अब सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना ऑथोराइज शेयर कैपिटल वट डू मीन बाय ऑथोराइज शेयर कैपिटल इड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू कर सकती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल फॉर कोई कंपनी है या उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल सपोज वन करोड़ है और सपोज वन करोड़ का ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो वो वन करोड़ के मैक्सिमम फेस वैल्यू की शेयर कैपिटल वो इश्यू कर सकती है उससे ज्यादा नहीं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन लाख शेयर ऑफ रुपीज शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच तो कितना हो गया आपका वन करोड़ वन लाख मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करोड़ तो मैंने कहा शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच तो आपने वन ऑथोराइज है दैट मीन कि आप में में उतने करोगे ऑफर उतने कर आपकी मर्जी लेकिन मैक्सिमम ऑल टूगेदर आप उतने शेयर मार्केट में इशू कर सकते हम उसको कहते हैं ऑथोराइज कितना आपको ऑथोराइज करा गया तो आपने अगर क्वेश्चन में ऑथोराइज शेयर कैपिटल अगर क्वेश्चन में आपको उसने ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है इज शेयर कैपिटल यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीज जितने भी रुपए का एक share है, उसको आप लिखूंगे तो क्या सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो क्या हम बैलेंस शीट की जब टोटल करते तो इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल अमाउंट को भी काउंट करते नो no. वो उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि देट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता रहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितनी इश्यू कर सकती है उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है आप ये शेड्यूल में एक चीज अभी आप पे कि शेड्यूल आपको कई बात कर, बात करता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करता है आप शेड्यूल थ्री में देखोगे बैलेंस शीट के जो आइटम है शेड्यूल थ्री हमसे कई कहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन हमको बहुत ज्यादा देने के लिए कहता है ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले तो अब उसके बाद आप आता है ऑथोराइज सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल तो जो भी लोगों का आपने यहां पे सॉरी ऑथोराइज तो करे जो आपने लोगों को ऑफर दी लोगों ने सब्सक्राइब करे उसको खरीदे और पेड अप मतलब उस पे जो पैसा दी तो वो कैपिटल आपके जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे और जितने रुपए का भी एक शेयर आपने उससे मल्टीप्लाई कर तो आपका शेयर कैपिटल आ गया अब देखेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज अब आसान आप लोग के लिए ये बुक इसलिए कर दे रही है कि आपको वहीं पे सारी चीजें देखिए अब क्या हुआ कि आपको शेड्यूल थ्री एक और चीज कहता है शेड्यूल थ्री हम लोगों से कहता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज ऐसे शेयर इश्यू करें जो कि अदर देन कैश कैंसि देखो ऑफ द अबो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स शेयर है शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर आपने कोई ऐसे शेयर तो इशू करे तो शेयर कैपिटल का तो हिस्सा है उसमें कोई दो राय नहीं लेकिन ऐसे कोई शेयर आपने इशू करे जिसके बदले में मुझे कोई पैसा नहीं आया जिसके बदले में कोई पैसा नहीं आया अब ये कैसा मैजिक है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने कोई शेयर इश्यू करा और उसके बदले में मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है कि आपने कोई शेयर ऐसे इश्यू करे और जिसके बदले में आपको पैसा नहीं आया मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं फिलहाल दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसको अच्छे से समझना एक कंसेप्ट आगे आप लोग पढ़ोगे एक कंसेप्ट आगे आप लोग पढ़ोगे बोनस शेयर वैसे बोनस शेयर आप लोग सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन तो भी कहीं कहीं कुछ एडजस्टमेंट बोनस शेयर के बारे में आ जाता है तो कंसेप्ट भी मैं आगे कवर करने वाला हूं तो मैंने कहा कि बोनस शेयर क्या चीज होते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन लोगों को हम कहते हैं कि लो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर लो यहां पे शेयर्स बांट रहे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मैंने कहा आओ 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 सब आ गए हमारे एग्जिस्टिंग शेयर चिंटू पिंटू टिंटू सब हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मैंने कहा सुनो सुनो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हमारे पास कोई कमी नहीं है ये लो बोनस शेयर फ्री में शेयर तो हम लोग फ्री में शेयर बांट रहे तो मैंने कहा जैसे ही मैंने कहा कि मैं फ्री में शेयर बांट रहा हूं तो मैंने तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा क्योंकि मैंने इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है तो जब भी आप एंट्री एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये एंट्री पास करी जाती जब शेयर इश्यू करा जाता तो मैंने शेयर इश्यू करा कैपिटल बढ़ा तो उसको क्रेडिट करा पैसा मेरे पास आया तो मेरे बैंक अकाउंट को डेबिट करा लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं सर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं बोनस शेयर्स के बारे में अच्छा व्हाट इज दिस बोनस शेयर्स बोनस शेयर्स का मतलब होता है आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स को दे दिए फ्री में शेयर्स दे दिए अच्छा फ्री में शेयर दे तो मेरे पास तो यहाँ पे पैसा आया ही नहीं तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कैसे कर सकता हूं अकाउंट तो हो ही नहीं सकता आपने सर, क्यों? ये बैंक नहीं हो सकता क्योंकि तो तो क्योंकि पैसा ही नहीं आया तो आगे हम लोग जब मैं बोनस के बारे में आपको सिखाऊंगा तो वहां पे आप सीखोगे आप यहां पे रिजर्व्स को डेबिट करते पैसा नहीं है तो आपको जो प्रॉफिट करते इसके अकाउंटिंग बाद में आने वाली लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट

जो हमने शेयर्स तो इश्यू करे लेकिन उसमें कोई पैसा हमारे पास आया नहीं है तो इसीलिए मैं यहां पे बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता और आपको यह पॉइंट देखना कि हमारे को कोई पैसा यहां पर नहीं आया तो बोनस पे एंट्री की फिक्र मत करो अभी पैसा हमारे पास यहां पर नहीं आया तो हमको यह बताना पड़ता है कि ऐसे कितने शेयर है जो हम लोगों ने इश्यू करे अदर देन कैश कंसिडरेशन वो मीन बाय अदर देन कैश कंसिडरेशन शेयर तो इश्यू करे लेकिन जिसके बदले में कोई पैसा नहीं है अब आप यहां पे रीड करो ऑफ तो नहीं लिखना है हम लोग को इनर कॉलम में यहाँ पे बताना होता है काउंटिंग का, यही रहता है, का कि आपको जो शेड्यूल थ्री आपको मेन यही बताता है फॉर्मेट में कि वो बहुत डिस्कलोज करने के लिए हमसे कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले यही शेड्यूल थ्री का इंटेंशन यहां पे होता है अब उसने हमको बताया कि अगर कोई ऐसे शेयर है जो अदर देन कैश कंसिडरेशन है तो वो भी हमको यहां पे डिस्कलोज करना होता है अब मैंने कहा एक और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया तो मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई तो मैंने यहां पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एसेट मेरे पास है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को मैंने डेबिट करा मैंने कहा अरे वाह वाह मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करा लेकिन उसके बदले में मैंने पैसा नहीं दिया उसके बदले में मैंने कहा एक काम करो एक काम करो मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो मैंने कहा मैंने आपसे लैंड एंड बिल्डिंग लिया उसके बदले में आप मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो तो मैंने आपको क्या किया बच्चों अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिया टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये एंट्री मैंने पास किया तो मैंने आप एंट्री पास किया कि मेरे पास जमीन आई और बिल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आई तो मैंने उसका डेबिट किया लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं दिया अगर मैं पैसा देता तो टू बैंक अकाउंट करता लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया उसके बदले मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया और यू कैन से कि आपने शेयर इश्यू करे उसके बदले में आपको पैसा नहीं आया मैंने आपको शेयर दिया उसके बदले में पैसा आपसे नहीं लिया आपसे लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया तो यहां पर भी मैं कह रहा हूं कि मैंने शेयर आपको दिया लेकिन उसके बदले में मैंने यहाँ पे पैसा नहीं लिया। क्या पैसा लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर गई तो अब दोनों ही एंट्रीज में आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों ही एंट्रीज में आप यहां पे देख रहे हो आपके यहां पे बैंक अकाउंट को आपने डेबिट नहीं करे एक बोनस शेयर्स दिए तो रिजर्व में एडजस्ट करें एक में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल दी तो उसके बदले में पैसा नहीं है आपको लैंड एंड बिल्डिंग है तो ऐसे कोई भी शेयर आपको समझना है ऐसे कोई भी आपने करे अदर देन कैश कंसीडरेशन वाले अगर तो उसमें आपको बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर ऐसे जो अदर देन कैश कंसिडरेशन है अब ये कॉल्स इन अरियस वाले पॉइंट पे मैं आता हूं लेकिन यहां पे आपको कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नीचे लिखे हुए प्लीज इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द पास पिछले पांच साल, अच्छा, साल में अगर आपने अच्छा आपको सारी जिंदगी ऐसा बताना रहेगा कि अदर देन कैश कंसिडरेशन नहीं सारी जिंदगी नहीं वो कहते पिछले पांच साल में अगर आपने टोटल नंबर एंड टाइप याद रखना कितने नंबर एंड टाइप्स ऑफ शेयर तो कितने नंबर नंबर कितने number share, कितने ऑफ 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 शेयर शेयर टाइप्स टाइप्स हैव बीन एज फुल्ली पेड विदाउट रिसीविंग कैश वही अदर देन कैश कंसिडरेशन आपने शेयर्स तो इश्यू करे लेकिन उसके बदले में कोई पैसा नहीं आया ये लैंड एंड बिल्डिंग वाला और वो कहते हैं कि टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ शेयर ऑफ शेयर फुली पेड थ्रू बोनस शेयर अगर आपने कोई बो, आद, बोनस शेयर उसमें भी पैसा नहीं आता आपने कोई बोनस शेयर दिए या कोई आपने शेयर दिए जिसके बदले में पैसा नहीं आया तो पिछले पांच साल में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने को वो डिस्क्लोज करा इन अदर वर्ड जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो वैसे एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं रहेगा पांच साल वाला पॉइंट नहीं देगा लेकिन शेड्यूल थ्री आपसे ये कहता है कि आपको अगर आपने पिछले पांच साल में ऐसे कोई शेयर इशू कैश यादर वाले तो हमको यहाँ पे डिस्कलोज करना होता है तो आपसे शेड्यूल थ्री बहुत कहेगा कि ये डिस्कलोज करो ये डिस्कलोज करो कि उसका पर्पज ये कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले इन्फॉर्मेशन मिले अब हम लोग आते हैं यहाँ पे वोट यू मीन बाय सर कॉल सी कॉल्स इन स का मतलब क्या होता है देखो ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से मेरे समझते सुनते जाना और जब आप लोग लो तो क्वेश्चन के बारे में बात करो और जब आप लोग क्वेश्चन सेवेंटी परसेंट भी समझ गया इट इज मोर देन इनफ क्योंकि जब क्वेश्चंस करने हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन के वक्त हमारे पास नंबर्स रहते हैं और जब नंबर्स आप लिखते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वहां पे और अच्छी होती जाएंगी अब आते हैं हम लोगों का कॉल सी नर्वियस आपने कैसे शेड्यूल थ्री मुझसे कहता है कि कॉल्स इन अरियस को मैं मैंने आपसे पैसा बुलाया लेकिन आपने मुझे पैसा नहीं दिए तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि एप्लीकेशन के वक्त आपने आ, कुछ पैसा बुलाया कुछ आपको पता है अलॉटमेंट के वक्त बुलाते और कुछ कॉल के वक्त बुलाते फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि था, 10 रुपीज मुझे आप बुलाना था। तो मैंने यहां पे एंट्री पास किया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट मैंने एंट्री पास किया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्या एंट्री पास किया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ठीक है अब जिससे हमको बुलाना था सपोज वो हमारा यहां पे चिंटू था मैंने कहा चिंटू से हमको पैसा बुलाना है ठीक है ठीक है चिंटू से पैसा बुलाना है तो यह कोई और एग्जाम्पल है चिंटू नहीं लग रहा है ओके कोई भी हो मैंने कहा सपोज ये हमारी स्वीटी है इसका नाम है स्वीटी मैंने कहा स्वीटी सुनो 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 मुझे आपसे पैसा बुलाना है फाइनल कॉल दो तो हमने एंट्री पास करे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हमको उससे पैसा बुलाना इन एसेट डेबिट टू आपने एंट्री पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये ये एंट्री एंट्री आपने पास पास तो हो तो होगी सर अगर पैसा आ जाता तो मैं खुशी खुशी एंट्री पास करता कैश और बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल पैसा आ गया स्वीटी से लेकिन क्या हुआ कि स्वीटी ने पैसा नहीं दी स्वीटी को मैंने कहा स्वीटी पैसा दो पैसा दो स्वीटी बोले नो सर मैं पैसा नहीं दूंगी हमने स्वीटी को कई बार बोले लेकिन स्वीटी ने पैसा हमारा दी नहीं तो अब मेरे पास अगर पैसा आता अगर पैसा आता तो मैं यहां पे एंट्री पास करता कैश और बैंक अकाउंट डेबिट ये एंट्री पास करता टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ये एंट्री पास पहले ड्यू की एंट्री पास हुई और फिर रिसीव्ड की एंट्री पास ये एंट्री पास करता लेकिन हमको तो स्वीटी से पैसा आया ही नहीं जब स्वीटी से पैसा आया ही नहीं तो मैं क्या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकता हूं नहीं पैसा नहीं आया तो हम शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को कैंसिल तो करते लेकिन अकाउंट में लेके जाते उसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियस अकाउंट को आपने यहां पे क्रिएट कर दिया अभी कॉल्स इन अरियस अकाउंट को तो डेबिट बैलेंस हो गया अगर आप इस अकाउंटिंग इसकी अकाउंटिंग बेस एकदम रूट पे जाके अगर आप सोचो तो आपने यहां पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को यहां पे डेबिट किए थे फिर आपने शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को यहां पे क्रेडिट किए तो आपका शेयर फाइनल कॉल अकाउंट तो कैंसिल हो गया तो आपने नेट इफेक्ट के एंट्री पास करे कॉल्स इन इनियस अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल यही एंट्री पास हुई ना आपकी आपका शेयर फाइनल कॉल तो कैंसिल हो गया लेकिन पैसा आया नहीं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ आपने एक अकाउंट में लेके उसको हमने लेके कॉल्स इन अरियस जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा आपने उसको डेबिट करे और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नेट एंट्री तो यही पास हुई ना कॉल्स इन अरियसि टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर फाइनल कॉल तो कैंसिल हो गया अब मेरा ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा हो गया लेकिन उसके बदले में कोई पैसा तो आया नहीं तो आपने वो कॉल्स इन अकाउंट आपने डेबिट तो इन अकाउंट का तो तो डेबिट बैलेंस होता है तो क्या मैं इसको एसेट साइड में दू इसको शो करूं द आंसर इज नो इसको एसेट साइड में हमको शो करना नहीं है बेटा एसेट साइड में शो हमको करना नहीं है इसको हम लोग शेड्यूल थ्री कहते हैं नहीं 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 ये कैपिटल की फैमिली को बिलोंग करता है

तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करिए तो वहां पर आपको शेयर कैपिटल आएगा कभी कभी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियस भी देगा तो कॉल्स इन एरियस हमको क्या करना रहेगा माइनस करना रहेगा तो ये हमने किसका अब ये हमने सिर्फ अभी किसके बारे में बात करें शेयर कैपिटल के बारे में मैंने आपसे बात किया अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग को आप लोग जाएंगे तो आपको सेकेंड पॉइंट यहां पर दिखता है दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस वोट डू मीन बाय रिजर्व एंड सरप्लस तो वो चीज जो आप लोगों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे उसको हम रिजर्व कहते हैं और सरप्लस का मतलब होता है वो भी आपका प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं तो रिजर्व का, मतलब का हिस्सा है। और जो इज सरप्लस तो अब हम लोग यहां पे डिस्कस करते व्हाट डू मीन बाय व्हाट डू मीन बाय रिजर्व एंड सरप्लस तो रिजर्व एंड सरप्लस कई तरह के रिजर्व होते है तो बेसिकली आप सर रिजर्व का मतलब वो होता है जो कि कंपनी के अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. है प्रॉफिट है. है तो वो क्या चीजेड्रीब्यूटेडी मतलब नहीं है जो कंपनी ने कमाया है अभी तक के लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करे यूटिलाइज नहीं किए तो वॉट इज दिस रिजर्व जो कंपनी ने कमाए हैं अभी तक के लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करे नहीं है तो वो वो भी किसका तो देंगे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे लेकिन इस रिजर्व एंड पे कहेगा नहीं है, हाँ, है? रिजर्व वो चीज है जो कंपनी ने कमाया है अभी तक के लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो किसको देगा मालिक को देगा मालिक कौन होता है मालिक होते शेयर होल्डर्स इसीलिए आप यहां पे देखोगे कि यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस भी आप लोगों का किस किसका हिस्सा है शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा है तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व रिजर्व एंड एंड सरप्लस आप लोग लोग का आता है अब यहां यहां पे पे हम लोग पे आते हैं कि सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो कई तरह के रिजर्व होते हैं अब कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है अब आप ये फिक्र मत करना सर वॉट इज दिस कैपिटल रिडेपन रिजर्व अब कैपिटल रिडम्पन रिजर्व में आप लोगों को सिखाऊंगा एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे वहां पे हम लोग बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज करके इसके बाद वाला चैप्टर वही रहता है वहां पे आपको सिखाऊंगा लेकिन याद रखना जो भी रिजर्व है आपके रिजर्वेंस सरप्लस में वो आएंगे तो फिर चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम हो डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व हो अब डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व जब डिबेंचर रिडीम करते हैं उसके पहले क्रिएट करा जाता है बस हमको अब ये समझे कि कोई भी रिजर्व हो वो रिजर्व हमारा किस में आएगा हमारा रिजर्वेंस सरप्लस में आएगा रीवैल्यूशन रिजर्व जिसको डील करता है अकाउंट टेन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अब ये क्या है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये कैसा अजीब सा नाम है हाँ इसको भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करके है वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं लेकिन हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट इन सॉप का आया है तो वो नेक्स्ट चैप्टर की बात है बस आपको अभी यहां पे है कि कोई भी रिजर्व हो कैपिटल नेचर का हो रेवेन्यू नेचर का हो जनरल रिजर्व हो रेवेन्यू रिजर्व हो रेवैल रिजर्व हो कोई भी रिजर्व हो वह आप लोग का रिजर्व इन सरप्लस का आपका हिस्सा होता है अब याद रखना सरप्लस का मतलब आपका वो होता है सरप्लस का मतलब आपका जो वो होता है जो आप लोगों का बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो सरप्लस का मतलब क्या होता है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट जो आपका बैलेंस आया उसको हम सरप्लस कहते हैं फिर चाहे कोई रिजर्व हो या अकाउंट का बैलेंस है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है अब ये तो सर नॉर्मल चीजें क्या सर तो कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस वाला तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में वो आता है अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना जा रहा हूं अब इस चीज का आपने बहुत ध्यान से अब आप मेरी बात समझना अब आपसे क्या कहता है ये नोट आपको लिखना कुछ नहीं सिर्फ मेरी बातों का आपको ध्यान से सुनते जाना सिर्फ सुनना है एक ऐसा सोचो कि कहानी कोई चल रही है आप आराम से बैठ के सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाएंगे ठीक है अब मैंने कहा कि आपसे आपसे शेड्यूल थ्री आपसे यहां पे कहता है कि शो एडिशन एंड डिडक्शन शो एडिशन एंड में कलर चेंज हो तो रेड रेड हो जा रहा है वो ठीक है शो एडिशन एंड डिडक्शन अंडर ईच स्पेसिफाइड हेड सिंस द लास्ट बैलेंस शीट आपसे वो ये भी कहता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था ये रिजर्व का ओपनिंग कितना था क्लोजिंग कितना था, और वो क्यों चेंज हो उसका अपने को बताना एग्जाम्पल so, ओपनिंग एक लाख था क्लोजिंग वन लाख फिफ्टी फिफ्टी कैसे बढ़ा वो बताना होता है फॉर एग्जाम्पल आपका क्योंकि आपने रिवैल्यूशन रिजर्व में ओपनिंग वन लाख था फिर आपने फिर से रिवैल्यू कर फिफ्टी से तो क्लोजिंग वन लाख फिफ्टी हुआ इन अदर वर्ड्स आपको ये यह बताया ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है उसका बायफर गेडिन ओपनिंग इतना था फिर कम ज्यादा हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ और क्लोजिंग कितना उसका बायफर्गेशन देना होता है अब हमसे वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर टू वो कहता है आपसे इसको मैं एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं फिर अपन इसको रीड करते ठीक है अब देखो वो कहता है डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी डिस्प्लेस एज नेगेटिव अमाउंट अंडर सरप्लस आफ्टर अकाउंटिंग फॉर नेगेटिव सरप्लस द बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस विल बी शोर इवन इफ इट इज नेगेटिव अब इसको समझते क्या कह रहा है अब मैंने कहा कि ये है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस अब ये हमारी बैलेंस शीट आई नो दैट बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में होती है लेकिन अभी इसको ध्यान से समझेंगे पे पे आप यहां फोकस करो मैंने कहा ये है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस अब इसमें मैं कई सारे रिजर्व लिखता हूं कई सारे रिजर्व में लिखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैंने बच्चों यहां पर लिखा रेवेन्यू रिजर्व मैंने यहां पर लिखा रेवेन्यू रिजर्व मैंने यहां पर लिखा सपोज ए टेन सपोज ए टेन फिर मैंने लिखा कोई और सिक्योरिटीज प्रीमियम है सपोज सिक्योरिटीज प्रीमियम है सपोज मैंने यहां पे लिखा ट्वेंटी सपोज मैंने लिखा कैपिटल रिजर्व है मेरा सपोज यहां पे थर्टी तो ये टोटल कितना हो गया आपका ये टोटल हो गया सिक्सटी लेकिन मैंने कहा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है आपने कहा सर हाउ इट कैन ये बैलेंस शीट है आपकी ये बैलेंस शीट है ये बैलेंस शीट है ये लेफ्ट हैंड साइड आपका लाइब्रेटी साइड है राइट हैंड साइड आपका एसेट साइड है तो मैंने कहा अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया और उसमें लॉस हो गया सर लॉस है लॉस है तो मैंने कहा लॉस है तो लॉस का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है तो मैंने ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसका कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट साइड वी डेबिट बैलेंस तो ये तो डेबिट बैलेंस हो गया सर तो डेबि बैलेंस हम हाँ मैंने दिक्कत किया इतना शोर क्यों मचा रहे हो तो मैंने कहा डेबिट बैलेंस है मगर यहां तो लाइबिलिटी साइड है

इस तरीके से आपको लिखना नहीं तो शेड्यूल क्या कर रहे हो डेबिट बैलेंस होगा उसका लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं शेड्यूल थ्री खड़ा मैंने कहा शेड्यूल थ्री आप कैसी बात कर रहे हो ये है मेरी लाइबिलिटी साइड एक मैं लिख लो ये है मेरी लाइब्रिलिटी साइड ये है मेरी एसेट साइड तो मैंने कहा शेड्यूल थ्री आप कैसी बात कर रहे हो ये लॉस आया शेड्यूल थ्री तो ये मैं लाइब्रेटी साइड में कैसे लिखो उसके तो क्रेडिट बैलेंस होते तो मैंने शेड्यूल थ्री को कहा सुनो सुनो शेड्यूल थ्री वो तो लॉस उसके डेबिट बैलेंस है तो मुझे एसेट साइड में लिखना रहेगा शेड्यूल थ्री कहते नहीं 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 ऐसा नहीं करना है इवन दो लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं नहींवन उसका डेबिट बैलेंस है वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं आप एसेट साइड में ही उसको लिखो मैंने अच्छा एसेट साइड में उसको लिखो वो कहते है, हाँ एसेट साइड में उसको लिखो सब उसकी टोटल यहां पे सिक्सटी ए आई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का

दूसरा पॉइंट जो आपसे वहां पे कह रहा है मैंने कहा चलो तो ठीक है आपने नेगेटिव फिगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं एज ए नेगेटिव उसको वहां एगेटिव डेबिट बैलेंस है तो एज ए नेगेटिव हम लोग उसको वहां पर शो कर देगी तो मैंने एज ए नेगेटिव वहां उसको शो कर दिया लेकिन शेड्यूल थ्री मुझसे आप नहीं इसके अलावा भी मैंने कहा उसको शेड्यूल थ्री को मैंने कहा सुनो सुनो शेड्यूल थ्री दो दिक्कत है उसने कहा बताओ मैंने कहा पहली दिक्कत थी

तो वो कहता है अगर लॉस आया तो नेगेटिव फिगर लिखो यहां पे और आउटर कॉलम पे भी अगर सबको जो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आउटर कॉलम पे भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है एज ए ने लिखना रहेगा अब मैं ये पॉइंट आपसे फिर से रीड करता हूं जो आपको यहां पर डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी डिस्प्लेस एज नेगेटिव अमाउंट तो हमने कैसे बताया उसको एज ए नेगेटिव अमाउंट यहां पे बताया अंडर सरप्लस अंडर सरप्लस एंड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर नेगेटिव सरप्लस आपने लिखे बैलेंस इन रिजर्व एंड सर्प्ल ये रिजर्व एंड सरप्लस का जो आउटर कॉलम पे आ रहा है द्वेंटी विल बी शो देयर इवन इफ इट इज नेगेटिव अगर वो नेगेटिव रहा तो भी कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसका आप नेगेटिव फिगर यहां पर शो करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट प्रेजेंटेशन करना होता है एस पर शेड्यूल थ्री तो ये मैंने आपसे किससे रिलेटेड पॉइंट का बेटा ये मैंने आपसे किससे रिलेटेड पॉइंट पॉइंट का रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड मैंने आपसे अब अब मैं मैं आता हूं यहां यहां वापस अगर बैलेंस शीट में मैं जाता हूं और बैलेंस शीट में इसके बाद हम लोग से आइटम आता है नॉन करंट लाइबिलिटी तो हम लोग अभी लाइबिलिटी साइड में ही है देखो बैलेंस शीट में हम लोग अभी एसेट साइड में गए भी नहीं हम लोग अभी किस साइड में लाइबिलिटी साइड में ओके अब मैं आता हूं कौन से पॉइंट पे नेक्स्ट वन इज नॉन करंट लाइब्रेरी अब हम लोग डिस्कस करते नॉन करंट लाइब्रेट क्या चीज होती है उसके बारे में बात कर ली अब आते हम लोग लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइब्रेरी ऑब्वियसली लॉन्ग नॉन करंट लाइब्रेरी मतलब जो लॉन्ग टर्म लाइब्रेटी होती है फिर मैं आप लोग को यहां पर सिखाऊंगा करंट लाइब्रेरी तो हम लोग ने यहाँ पे बात कर एक आप लोग से बात किया मेरे नॉन करंट लाइब्रेटी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे करंट लाइब्रेटी क्या होती है तो ये इतनी चीजें अपने को लाइब्रेरी साइड में आती है ठीक है तो मैं एक 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 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा काम करना आई एम गिविंग ए ब्रेक फॉर मिनट्स रोज आप लोगों का टेन मिनट्स का ब्रेक होगा ठीक है रोज मिनट्स का ब्रेक होगा आप लोग का और आई एम गिविंग ए ब्रेक फॉर टेन मिनट्स और आपकी थ्री आवर्स की क्लास रहेगी उसके बीच में टेन मिनट्स का ब्रेक रहेगा ओके आई एम गिविंग ए ब्रेक फॉर टेन मिनट्स ओके और उसके बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन शुरू करेगी और अगर लाइव वाले स्टूडेंट कोई भी आपको डाउट हो तो आप आपको यहाँ पे को चैट बॉक्स में लिखें तो मैं उसका आंसर दूंगा और गूगल ड्राइव वाले बच्चों आप बिल्कुल नहीं घबराना आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का एक चैनल उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो और जूम सेशन भी लूंगा तो आप मेरे को बिल्कुल वहां पर डाउट पूछ सकते हो ओके सो ना एम गिविंग ए ब्रेक फॉर टेन मिनट्स और उसके बाद हम लोग फिर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे Hello all of you. तो हमारा हम continue करते, okay? एक का डाउट है सर, अगर -current liability और ऊपर नीचे हो तो चलता है, नहीं चलता आपको जो फॉर्मेट्री ने दिया वैसा ही आपको बनाना है। पहले आप लोग की नॉन करंट लाइब्रेट पहले आपका हमेशा शेयर होल्डर्स फिर नॉन करंट लाइब्रेटी और फिर करंट ओके okay? और इसको अपना रटने की कोशिश मत करना फिलहाल पीरियड जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको आदत हो जाएंगी लेकिन आप इसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते कि पहले करंट लाइब्रेटरी लिखो फिर नॉन करंट नहीं पहले आपको शेयर होल्डर्स फंड ही लिखना है फिर आपको नॉन करंट लाइब्रेटी लिखना है और फिर उसके बाद करंट लाइब्रेट जो जो पैटर्न है वैसा ही लिखना रहेगा अब मैं आपको नॉन करंट लाइब्रेटी के पॉइंट में आपसे डिस्कस करता हूं यहां पे ए बी सी डी अब ए से जो रिलेटेड आपका नोट नंबर थ्री और यहां पे अदर करंट अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेटी फोर एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये तीनों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं लेकिन ये जो आपका डेफोर टैक्स लाइब्रेरी के बारे में फिक्र मत करा इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी टू तो वहां पे आप सीखोगे व्हाट इज दिस टैक्स एंड ऑल दैट उसको भी बस याद रखें वो नॉन करंट हो सकता है तो आपके टैक्स एसेट भी होती है वो एसेट साइड में आएगा उसको भी एस डील करता है तो अभी उसका वहां पे पर डिस्कशन होगा इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टैक्स एसेट का पॉइंट भी नहीं आने वाला वो एस ट्वेंटी टू में वो आएगा ओके अब हम लोग यहां पे थे कि वोट डू मीन बाय

तो पैसा कहां से बोरो कर सकते एक अपने बॉन्ड्स डिबेंचर्स मार्केट में इश्यू करें उस पर हम लोग ऑब्वियसली इंटरेस्ट देना होता है फिर वो आपसे कहता है कि टर्म लोन आपने बैंक से लोन लिया और पार्टी से आपने क्या की लोन ली पैसों की जरूरत थी हमने कहा कि नहीं, नहीं नहीं यार हमको पैसों की जरूरत है तो हमने बैंक से लोन ली या कोई और पार्टी हमको मार्केट में लोन दी थे हमने उस पार्टी से क्या किया हम लोगों ने लोन ली क्योंकि हमको पैसों की जरूरत थी वट इज डेफर्ड पेमेंट लाइब्रिटीज कभी कभी कोई ऐसी पेमेंट हमारी होती लोन में भी फैसिलिटी दी जाती जिसको डेफर्ट कर देते भाई उसने कि तीन साल बाद आपने देना दो साल बाद देना डेफर्ट करना मतलब डिले आप उसको कर तो बाद में कह रहा है तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो जा रही ओके पेमेंट लाइब्रिटीज उसके बाद तो डिपोजिट आपने किसी से डिपॉजिट ली और आपको एक साल बाद उसको देना तो दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोविंग लोन सेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड पार्टीज पार्टी की डेफिनेशन हम लोग आगे भी देखेंगे और आपको एस एटीन करके का आप देखिए वहां पर भी आती है तो रिलेटेड पार्टी से आपने कोई अगर लोन लिए हो तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना हो। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे ओके तो आपने लॉन्ग टर्म बोर आपने हो सकता है कि डिबेंचर से पैसा अरेंज करें आपने डिबेंचर इशू करके हो सकता है बैंक से लोन लिया हो सकता है आपने कोई रिलेटेड पार्टी से लोन लिया लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस अंडर ऑब्लिगेशन अब इसके बारे में बात करो उसको भी, उसके बारे में फिकर नहीं उसके बारे है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे आएगा भी नहीं पॉइंट लेकिन आपने ये एस 19 इसके बारे में क्या था अभी आपसे कहता है कि अदर लोन्स एंड एडवांस स्पेसिफाइड नेचर अगर ये कैटेगरी में कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपने कोई और अगर लोन या कोई एडवांसेस किसी से ले रखे तो उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना रहेगा

वो बोरोविंग लॉन्ग टर्म जो कि सिक्योर्ड है और वो लॉन्ग टर्म जो कि आपकी अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है unsecured है तो आपने कहे कि लॉन्ग टर्म बोर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो कैटेगरी में बांट वट डू मीन बाय सिक्योर्ड बहुत सिंपल सी चीज है ऐसी कोई आपने बोरोविंग करे जिसके बदले में कोई चीज सिक्योरिटी पे दी गई है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने लोन लिया बैंक से और लोन लिया बैंक से एक करोड़ रुपए का उसके लिए मैंने कहा कि सिक्योरिटी पे कोई एसेट मैंने दिया इज वो है आपका सिक्योर्ड लोन तो आपको सिक्योर्ड लोन हमको बताना रहेगा तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों को हम लोग को क्या करना है सेपरेटली डिस्क्लोज करना रहेगा कि सिक्योर्ड कितना और अनसिक्योर्ड वो क्वेश्चन में बताएंगे हमसे कि ये सिक्योर्ड है और ये अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड के बारे में स्पेसिफिकली कह देता है कि सिक्योर्ड लोन है और बता भी देगा कि कौन सी एसेट आपने सिक्योरिटी पे दी हो तो कौन सी एसेट आपकी चार्ज है कौन सी एसेट पे आपका है वो आपको क्वेश्चन में कहेगा तो वो सिक्योर्ड में आपका सिक्योर कौन सी एसेट आपने वो आपका लॉन्ग टर्म बोरविंग सिक्योर्ड में आएगा अगर आपने कोई लोन लिए और कोई चीज सिक्योर्ड करवाए और वो अनसिक्योर्ड आपका और अदर देन बोरविंग जो सिक्योर्ड

नॉन करंट लाइब्रेरी व्हाट डू मीन नॉन करेंट लाइब्रेरी नॉन करंट लाइब्रेरी लॉन्ग टर्म लाइब्रेट है अगर आ गया, इसका वो के बारे में बात कर रहा है वो आपसे बात कर रहा है के बारे में. अच्छा गुड्स के बारे में बात वो कर रहा है अब इसको समझता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म क्यों कह रहा हूं नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइब्रेटीज के हेडिंग में ये क्यों आ रहा है

कि प्रतमेश ने कहा यहाँ पे कि इसने कोई चीज एक प्रत्यमेश है और, और एक है स्वीटी तो स्वीटी थी हमारी ध्यान से सुनेंगे बच्चों तो एक था प्रत्यमेश और एक थी हमारी प्यारी सी नन्नी सी स्वीटी तो ये रही स्वीटी अब स्वीटी आई अब स्वीटी आई प्रत्यमेश की शॉप में स्वीटी बोले प्रतमेश मुझे कुछ चाहिए गुड्स चाहिए और प्रत्यमेश हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो गुड्स दिया और वो गुड्स दे दिया और जब पैसे देने की बारी आई तो वो स्वीटी कहती है प्रत्यमेश मैं अभी नहीं दे सकती तो ये कहता है वो कहता है कि मैं अभी नहीं दे सकती तो आपको यहां पे स्वीटी कहती है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकती तो स्वीटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना ठीक है अब वो पिघल गया यहां पे प्रत्यमेश वैसे तो नहीं पिघलता लेकिन यहां पर वो पिघल गया बोले स्वीटी कोई बात नहीं मैं आपको कोई दिक्कत नहीं आपने बाद में पैसा देना अरे आज क्या आप मेरे को दो साल बाद पैसा दो फ्टर टूर्स या आफ्टर वन ईयर मेरे को पैसा दो कोई दिक्कत नहीं घर की बात है तो स्वीटी भी खुश हो गई ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुमको नेक्स्ट ईयर इसके बदले में पैसा दूंगी अब मुझे बताओ इसने क्या खरीद गुड्स खरीदे गुड्स यहाँ पे जो किस चीज का परचेज और सेल हो गुड्स का जिसमें प्रत्यमेश डील करता था उसका बिजनेस है तो इसने गुड्स बेचा अब यहां पे इसने गुड्स इसने गुड्स खरीदी यहां यहां पे यहां पे जो स्वीटी का भी सपोज उसको बिजनेस है तो उसने गुड्स खरीदी तो स्वीटी ने यहां पे एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू करेड पेबल स्वीटी ने ये एंट्री पास एंट्रीबिट्रेड पेबल अकाउंट अब आप अब ट्रेड पेबल तो एक साल के अंदर होता है नहीं 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 स्वीटी हमारी स्पेशल कस्टमर थी स्वीटी बोले नहीं नहीं स्वीटी बोले नहीं नहीं मैं तुम्हें एक साल बाद पैसे दूंगी मैं तुम्हें एक साल बाद पैसे दोगे तो मुझे बताओ स्वीटी की बुक्स में जो ये ट्रेड पेबल नजर आ रहा है जो प्रत्यमेश है स्वीटी की पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना सोच था तो उसके बुक में जो ट्रेड पेबल नजर आ रहा है वो एक साल के अंदर पे करना है कि एक साल के बाद पे कर एक साल के बाद पे कर है सो वेयर इट विल कम ये ट्रेड पेबल जो आपने यहां पर लिखी ये कहां पर आपका ट्रेड पेबल आने वाला ओके okay? ये ट्रेड पेबल क्या मैं इसे करंट लाइबिलिटी मानू ये नॉन करंट लाइब्रेरी सर ये नॉन करंट लाइब्रेटी क्यों क्योंकि उसको बोला गया कि मैं उसको बाद में पैसा देगी एक साल के बाद तो वो आ गया आपका नॉन करंट लाइब्रेरी तो इसका मतलब ट्रेड पेबल नॉन करंट लाइब्रेरी में मेरा कब आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी में कब आएगा दैट इज रीपेबल 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 आफ्टर ट्वेल्व मंथस जो कि रीपेबल कब है ट्वेल्व मंथ जो बारह महीने के बाद हमको पे कर रहे हैं तो इसीलिए वो आपका अदर लॉन्ग टर्म बोरो में आ गया एंड आई एम टेलिंग यू हम लोग जितना डिटेल में पढ़ रहे जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको इतना डिटेल में दिया भी नहीं रहेगा लेकिन यहाँ पे शेड्यूल थ्री हमको समझना जरूरी है उसको अच्छे से समझ दे तो जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इतना डिटेल में रहता भी नहीं के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत स्मूथली आसानी से वो होती जाएगी बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वट इज दिस ट्रेड पेबल जैसे ही ट्रेड पेबल टर्म और जनरली ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में ही आता है लेकिन अगर बारह महीने के बाद हमको पे करना है तो, तो दैट विल कम अंडर अदर नॉन करंट अब मैं कहता तो हूं सर ठीक है वो चीज मुझको समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट आप कहोगे सर इज दिस अदर ट्रेड पेबल हो गया तो जब भी आप कोई कोई गुड्स खरीदते हो जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो तो वो आपका ट्रेड पेबल हो गया मगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स नहीं खरीदे मैंने कहता हूं कि मैंने मशीनरी मैं यहां पे लिखता हूं कि मशीनरी परचेस्ड मशीनरी चेस्ड ऑन क्रेडिट मैंने उधारी में ऑन क्रेडिट रीपेबल 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 आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स तो मुझे बारह महीने बाद उसके पैसे देना है तो मैंने कहा वहां पे मैंने गुड्स खरीदा था यहां पे मैंने मशीनरी खरीदी कौन स्वीटी ने तो स्वीटी की बात करें तो पहले उसने स्वीटी ने क्या खरीदी थी गुड्स खरीदी थी तो उसने यहां पर पे ट्रेड पेबल स्वीटी ने गुड्स खरीदे तो ट्रेड पेबल उसने क्रेडिट कर दिया ट्रेड पेबल को उसने कर दिया लेकिन यहाँ पे अदर करंट वो यहां पर भी उसने गुड्स परचेस करी सॉरी यहां पे गुड्स पर यहां पर भी उसने परचेस करी लेकिन उसने मशीनरी परचेस करी तो उसने एंट्री पास करी मशीनरी अकाउंट डेबिट और जो भी पार्टी से ली क्रेडिट मिली थी पार्टी तो अकाउंट जो भी उसका नाम होगा अब मैं कहता था ये यहां पर गुड्स नहीं परचेस करी अगर गुड्स परचेज करती तो वो ट्रेड पेबल के अंडर आता और गुड्स दूसरी है तो वो अदर करंट लाइब्रेट अदर नॉट सॉरी लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज खरीदे तो ट्रेड पेबल आएगा अदर में आएगा तो यहां पर हम लोग ने बात करें कि बोरोविंग होती है एक अदर लॉन्ग टर्म हमारी लाइब्रेटीज होती है लेकिन यहां पर आप एक पॉइंट आप देखोगे यहां पर आपको कहता है यहां पर अब जो आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे मैं दोनों को यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां पे देखते हो कि यहां पर आपने एक प्रोविजन दिख रहा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन उसी तरीके से मैं आपको आगे भी बताऊंगा और वहां पर आप लोग को आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन तब आपके दिमाग में ये चीज आएगी सर दोनों ही तो प्रोविजन है दोनों ही तो प्रोविजन है लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों में कोई फर्क है तो पहले तो हम ये समझते कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है और फिर मैं आता हूं कि फिर मैं आता हूं व्हाट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन और एक और चीज का ख्याल रखेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस होता है तो आपने जो रिजर्व देखे यहां पे इसमें और ये प्रोविजन में डिफरेंस तो इस पर भी हम बात करते पहले हम लोग ये समझते कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये बात करते कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है तो हम यहां पे समझते कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है तो मैं यहीं पे उस चीज को लिख लेता हूं और आपको कोई भी चीज रटना नहीं इनफैक्ट प्रोविजन के बारे में अगर मैं कहूं तो प्रोविजन को जो डील कोई और करता है सर कौन करता है प्रोविजन को प्रोविजन को डील करता है एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हम लोग पढ़ेंगे सबसे आखिरी में पढ़ेंगे एज 29 जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो एज 29 सबसे आखिरी एस होता है, है आपका

रिजर्व का मतलब क्या होता है रिजर्व का मतलब होता है आप लोगों का कि आप लोगों का रिजर्व का मतलब कि कोई नहीं करी जिसको कंपनी ने उसको यूटिलाइज नहीं करी वो आपका रिजर्व होता है लेकिन प्रोविजन वो नहीं कि कोई प्रॉफिट का हिस्सा मेरे पास रखा हुआ है जिसको मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं करा वो कोई प्रोविजन नहीं होता प्रोविजन को एक्चुअल में एस ट्वेंटी नाइन ने आपको डिफाइन करा मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखता हूं वो आपसे एस ट्वेंटी नाइन कहते हैं कि एक प्रोविजन एक लाइबिलिटी है प्रोविजन एक लाइबिलिटी है साथ ही साथ में वो क्या है लाइबिलिटी है जिसमें आपको कुछ एस्टिमेट लगता है उसमें क्या लगता है आपको कुछ एस्टिमेट आपको लगता है तो मैंने कहा आपको पहले इसको हमने देखिए प्रोविजन वट डू मीन बाय प्रोविजन कि प्रोविजन एक आप लोग की लाइब्रिटी और जिसमें आपको कुछ एस्टिमेट लगता नहीं तो मैं एरो वाइज पे लिखता okay, इस तरीके से लिखता हूं तो मैंने कहा पहले आपका प्रोविजन का मतलब क्या होता है बेस्ड ऑन सम समस्टिमेट सम एस्टिमेट जिसमें आपको कोई एस्टिमेट आप बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सम समस्टिमेट तो मुझे प्रोविजन डिफाइन करा किसने प्रोविजन को मेरे को define करा प्रोविजन वो, तो वो क्या कह रहा आपसे तो provision वो आपसे कहता है वहाँ पे कि प्रोविजन का मतलब होता है कि उसमें पहली चीज तो कोई एस्टिमेट लगता है पहली चीज आप इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि ये कोई आपकी वो चीज नहीं कि जिसमें आप लोगों को यहां पर ये कोई रिजर्व नहीं क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं क्यों कोई है क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा और जो मेरे को नहीं दे जो प्रॉफिट का हिस्सा जो मैंने यूटिलाइज नहीं करा ये कोई रिजर्व नहीं तो प्रोविजन का मतलब आप लोग का क्या होता है कि आपको इसमें कोई एस्टीमेट की जरूरत होती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को आज नहीं पे करना है लेकिन वो पे करना होगा वो पे करना होगा और मेरे को कब उसको जो मेरे को पे करना होगा और मैंने कहा आपसे लेकिन कब पे करना है वो कमिंग ईयर में पे करना हो सकता है बाद में पे करना लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है लेकिन मैंने कहा कि प्रोविजन जिसमें मेरे को कोई ऑब्लिगेशन है उसमें मेरे को करना पड़ा तो मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और उससे ही अपन इसको कनेक्ट करते जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप लोग टैक्स में भी ये चीज पढ़ेंगे कि जो साल इनकम टैक्स में पढ़ोगे जो साल पर आप कमाते हो उसको हमें पे करना होता तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें कोई टैक्स पे करना होता है तो मैंने कहा यहां पर यह पूरा साल था हमारा इस साल ये बैलेंस शीट डेट थी मेरी थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी फोर सपोज ये मेरी है। और मैंने यहाँ पे पूरे साल बिजनेस किया साल शुरू हुआ था ऑफ अप्रैल को साल खत्म थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी फोर को तो पूरे साल मैंने कुछ कमाया और यहां पर मैंने कहा कि मेरे को यह पता चला कि आई एम लाइबल टू पे टैक्स यस जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करा उस तारीख को पे नहीं करना यहां पे इमीडिएटली पे नहीं कर रहा है। मुझे कमिंग ईयर में उसको पे करना रहेगा लेकिन किस पे यहां पे जो मैंने प्रॉफिट कमाया हूं, इस प्रॉफिट के ऊपर मुझे क्या पे करना होता टैक्स पे करना होता और वो कमिंग ईयर में मैं उसके ऊपर क्या करूंगा टैक्स पे करूंगा तो मैंने कहा यह मैंने प्रॉफिट कमाया और मेरे को कमिंग ईयर पे उसके ऊपर क्या पे कर रहा है मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना रहेगा अब इसको अपन प्रोविजन से कनेक्ट करते हैं कि यहां पे क्या मतलब इसका होता है तो मैंने कहा आपसे कि यहां पे सबसे पहले कोई एस्टिमेट लगता है जब आप कोई प्रोविजन देखो ये कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो ये कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं जो कि यूटिलाइज नहीं करे नहीं वो तो रिजर्व होता है तो प्रोविजन का मतलब होता है सबसे पहले इसमें मुझे एस्टिमेट कर रहा है तो मैंने कहा नहीं नहीं प्रॉफिट तो इस साल का है मुझे इसको अकाउंट करना पड़ेगा जो भी उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है तो कुछ एस्टिमेट करना रहेगा कितना अमाउंट ऑफ टैक्स मेरे को पे कर रहा है तो tax, tax, वो रेट बताता है कि आपको आपको इतना इतना टैक्स पे पे तो आपको उस बेसिस आपने एस्टिमेट कर लिया ये कम ज्यादा थोड़ा बहुत एस्टिमेट बताया नॉट नेसेसरी एक्चुअल इतना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो आपने आपनेट करके इतना अमाउंट मुझे टैक्स पे करना होगा उसके बाद आपने क्या करे वो हमसे कहता है कि हमारे ऊपर present obligation मैं यहां पे लिखता हूं present obligation present obligation तो एक-एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं present obligation फिर उसी के यहां पे नीचे लिखता हूं ये आप तो साथ में लिखते लो present obligation as a result of as a result of past event और आप प्लीज कोई भी चीज को रटने की कोशिश मत करना और फिकर भी मत करना इतने स्मूथली सारी चीजें होंगी आपको समझ में इतनी आसानी से होगी कि मतलब आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं सर एज ट्वेंटी नाइन का हिस्सा है लेकिन प्रोविजन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोविजन क्या होता है सिर्फ समझने की कोशिश करा कोई भी चीज रटना नहीं ओकि सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग की हो जाएगी अब मैंने कहा आपसे कि प्रोविजन में सबसे पहली चीज होती है कि हमारे ऊपर कोई एस्टिमेट हम लोग कोई एस्टिमेट करे किस चीज का एस्टिमेट करे ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सम समस्टिमेट किसके एस्टिमेट के बारे में बात करो अमाउंट के वो आपने अमाउंट को एस्टिमेट करे कितने की हमारी लाइब्रिटी होंगी अब वो कहते हैं कि वो अकाउंटिंग एंड ट्वेंटी नाइन जब हमको प्रोविजन डिफाइन करता है एक्चुअली उसको एक लाइबिलिटी कहता है तो लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट तो मैंने कहा ये एक टर्म आया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और ये एक टर्म दिख रहा है पास्ट इवेंट वोट डू मीन बाय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हम वही टैक्स का एग्जाम्पल लेते कि पूरे साल हम लोग का प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट के ऊपर हम लोगों को क्या पे करना है उस प्रॉफिट के ऊपर बच्चों हम लोग को क्या पे करना होता है टैक्स पे करना होता है ठीक है तो मैंने यहां पे साल के आखिरी में यहां पे प्रोविजन क्रिएट करो तो सबसे पहले सम एस्टीमेट 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 उसमें कोई estimate हमको लगाना estimate हमने अमाउंट का एस्टिमेट को करे वो मीन बाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वी आर लाइबल टू पे नॉट नेसेसरी कि आज क्या आज ही पे करो लेकिन हम लोग लाइबल है पे करने के लिए दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट पास्ट में हमने ऐसा कुछ करे

और इसके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के टू टैक्स अब ये जो आपकी क्योंकि आपने पूरे साल बिजनेस करे, उस पे, आपका, आपका पे करना है तो हमको कोई एस्टिमेट करना होता है और उस एस्टिमेट के बाद हमारे ऊपर होता है ड्यू टू पास्ट इवेंट तो हम पास्ट में ऐसा कुछ करते

आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट पास इवेंट और वो आपसे कहता है कि इसमें प्रोबेबल आउटफ्लो होता है इसमें क्या होता है प्रोबेबल आउटफ्लो व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबल आउटफ्लो कि मोर देन 50 परसेंट चांसेस है कि हमारा वहां पे आउटफ्लो होने वाला है तो व्हाट इज दिस प्रोबेबल आउटफ्लो आउटफ्लो का मतलब हमको पैसा देना उसके लिए रहेगा तो हमको टैक्स का पैसा देना है

प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट ये इसकी एंट्री पास होती है हम लोग का डिस्कशन यहां पे ये हो रहा है कि इस प्रोविजन को मुझे कहां पे लिखना है बैलेंस शीट में तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्रेडिट उसके बैलेंस है ऑब्वियसली लाइब्रेरी साइड में आएगा लेकिन लाइब्रेरी साइड में जब मैं यहां पे देखता हूं शेड्यूल थ्री के हिसाब से तो मुझे प्रोविजन दो जगह नजर आता है एक नजर आता है नॉन करंट लाइब्रेरी में और दूसरा नजर आता है करंट लाइब्रेरी में तो अब यहां पे एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो अब यहां पे आप कहोगे सर यहां पे आप कहोगे ये कि प्रोविजन में कहां लिखो वैसे जनरली प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होता है एग्जाम्पल में दोनों के देता हूं आपको एग्जाम्पल एक शॉर्ट जनरली ये आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म वोट इज एस टीपी शॉर्ट टर्म प्रोविजन वोट इज एल टीपी लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो जनरली शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही तो जो एक साल के अंदर हमको पे करना होता है लेकिन आप लोगों का कभी कभार रेयरली होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है वो आप लोग पढ़ोगे इस फिफ्टीन एम्प्लॉय बेनिफिट ठीक है तो आप पढोगे कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मैंने कहा मेरे वे एस फिफ्टीन में मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है मैंने कहा मेरे कोई इंप्लॉयज है मेरी कोई कंपनी में रन कर तो मेरे बहुत सारे इंप्लाइज है अब मुझे पता है कि थर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स ऑन एन एवरेज मैंने निकाला कि एम्प्लॉय किसी ने आज ज्वाइन करा ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ थर्टी इयर्स बाद ये रिटायर होगा मेरी ऑफिस से तो जब ये मेरी कंपनी से थर्टी ईयर्स बाद रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के वक्त मुझे कई पेमेंट करना होता है एग्जाम्पल ग्रेचुटी या टैक्स में पढ़ोगे तो मुझे कई पेमेंट उसको करना तो रिटायरमेंट के वक्त रिटायरमेंट के वक्त मुझे उसको कोई पे करना है तो मैं उसका अभी से प्रोविजन बनाता हूं क्यों क्योंकि मेरे को अमाउंट एस्टिमेट करूंगा उसमें प्रेजेंट ऑब्लिकेशन क्योंकि मेरे पास जॉब कर रहा है तो मेरे को आई एम लाइबल टू विद प्रेजेंट ऑब्लिक रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट क्योंकि मेरे पास काम कर रहा है तो ऑब्वियस प्रोबेबल आउटफ्लो मुझे उसका आगे पेमेंट कर रहा है लेकिन वो साल के अंदर नहीं कर रहा है जब वो रिटायर होगा इयर्स बाद जो रिटायरमेंट तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में तो लेकिन आपको, आपको इस चैप्टर में आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही रहेगा क्योंकि शेड्यूल थ्री में फॉरगेट करके दिया इसीलिए मैंने आपको यहां पे बताया तो वह आप लोगों का ये प्रोविजन आप कहा लोग कहा आएंगे हम लोगों के प्रोविजन आते हैं अगर वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन रेयरली होगा इस चैप्टर में जब प्रोविजन ही रहेंगे okay? तो बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब एस ट्वेंटी नाइन आएगा क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर ट्रायल बैलेंस जो दिया रहेगा उसमें आपको प्रोविजन लिखा हुआ रहेगा ठीक है थीके? तो आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि कहां हमको उसको लिखना रहेगा अब हम लोग आते

वन एक और चीज यहां पर रहती है उसको मैं लिख देता हूं एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहां पे दिया जिस में वो वैसा ही दिया जैसा आपको एग्जाम में करके आना कॉपी पेस्ट करके आना है। ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। लेकिन कुछ और आइटम्स भी जैसे यहां पे रहते हैं शेयर एप्लीकेशन मैं इसके बारे में पहले कह दू शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पेंडिंग

एप्लीकेशन तो के आप कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त आपने शेयर से तो कुछ पैसा हमारा एप्लीकेशन के वक्त आता है कुछ अलॉटमेंट और कुछ कॉल क्यों अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एप्लीकेशन के वक्त मुझसे पैसा आया तो मैंने यहां पे लिखा कि एप्लीकेशन के वक्त एप्लीकेशन के वक्त मेरे मुझे कुछ पैसा आया तो आप क्या एंट्री पास करते हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और उसको कैपिटल अकाउंट में इमीडिएटली आप नहीं लेके जाते तो जब आपके पास एप्लीकेशन के वक्त पैसा आता है तो आप एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आपने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो ये बात कर रहा है कि यहां पर जो मैंने आपसे लिखा ये जो आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करे

अब हम लोग यहां पर आते कि अब मैं आता हूं करंट लाइब्रेरी से वापस हमारे डिस्कशन पे हम लोग आते करंट लाइब्रेरी अब करंट लाइब्रेरी में हो सकता है कि एक है आपकी शॉर्ट टर्म बॉरिंग एक एक करके जिसके लिए आपको दिया हुआ है नोट नंबर सिक्स और फिर आपका ट्रेड पेबल इज वेरी सिंपल ट्रेड पेबल आपको पता है कि व्हाट इज दिस ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल को अभी तो आपने बताए थे ऊपर मगर वहां पे यहां ट्रेड पेबल भी दो यहां पे ट्रेड पेबल आपने अदर करंट लाइब्रेरीज में अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज में भी ट्रेड पेबल आया था और यहां पर भी आप ट्रेड पेबल लिख रहे yes, ट्रेड पेबल में यहां पर भी लिख लो कि ट्रेड पेबल देना कब ट्रेड पेबल अगर आपको आपने पे कोई चीज गुड्स पर स्वीटी ने गुड्स परचेस करी से और प्रत्यमेश क्रेडिट में स्वीटी ने कर, स्वीटी ने बोली इन वन ईयर स्वीटी पे करने वाली है। तो स्वीटी के लिए यह हो गया करंट लाइब्रेटी और जनरली ट्रेड पेबल करंट लाइब्रेटी ही होता है बहुत ही रेयर केस में वो लॉन्ग टर्म रहेगा तो जनरली ट्रेड पे आप करंट लाइब्रेटी का हिस्सा ही ट्रेड पेबल आपका होता है ओके नाउ आई एम कमिंग टू पॉइंट आपका व्हाट डू मीन बाय यहां पे लॉन्ग टर्म बॉरविंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग से नोट नंबर सिक्स डील करता है अदर करंट लाइब्रेटी से नोट नंबर सेवन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में आपसे ऑलरेडी कह नोट नंबर से बैलेंस लाइब्रेटी साइड को एसेट साइड में आया भी नहीं हूं तो बैलेंस शीट में सिर्फ लाइब्रेटी साइड में हम लोग अभी अब मैं यहां पे नेक्स्ट हमारा है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन हुआ अब मैं तो व्हाट इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग आपने बोरिंग अभी भी यहां पे करें लेकिन बोरो करे या आपने आपने यहां पे परे कि बोरोविंग शॉर्ट टर्म बोर मतलब हमको एक साल के अंदर उसकी पेमेंट करना है तो मैं कहता हूं यहां पे लोन रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक कभी होता है ना आपने बैंक से कोई लोन लिए और रीपेमेंट ऑन डिमांड मतलब आपने को उसको रीपे तो जनरली आप इसमें देखेंगे बैंक बैंक आप वहां पर लिख लो बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपने बैंक से लोन ली जो विद इन वन ईयर पे क्रेडिट लिमिट आप लेते हो तो आपका कौन सा हो गया? वो हो, गया, हो गया अब एक साल के बाद आपने कोई और पार्टी से या तो फिर आपने लोन लिए और आपको रीपेबल विद इन वन ईयर आपने रीपे उसको करना है इन वन ईयर रीपे रहा है, री कर रहा है। तो what, आपने जो भी कई और से आपने लोन ली और आपको एक साल के अंदर पे करना है उसको ओके अब उसके बाद लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज के बारे में रिलेटेड पार्टीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन रिलेटेड पार्टी से ये एस भी रिलेटेड पार्टी के बारे में बात करता है लेकिन आपने कोई रिलेटेड पार्टी से कोई क्लोज रिलेटिव आपने कोई रिलेटिव से कोई रिलेटेड पार्टी से अगर आपने पैसा लिया तो आपने लोन लिया तो वो हमको डिस्क्लोज करना होता है वो हमको डिस्क्लोज करना देखो शेड्यूल थ्री का यहां पे इंटेंशन क्या है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो दे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचे तो कोई रिलेटेड पार्टी से आपने अगर लोन दियो या बैंक से कोई भी एक साल के अंदर पे कर दैट इज कमिंग अंडर शॉर्ट टर्म बॉर्डिंग या किसी ने डिपॉजिट लिया आपने जो कि हम लोग एक साल के अंदर क्या करना है उसको पे करना है ओके एक साल के अंदर हम लोग को पे करना है या फिर उसने कहा कोई भी अगर ये कैटेगरी में नहीं आ रहा है कि बैंक से नहीं लिया रिलेटेड पार्टी से नहीं लिए, कोई नहीं, तो आपने को स्पेसिफाई कर दो एडवांस लिया अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे आ रहा हूं एक और चीज अब आप हो सकता है कि कोई स्टूडेंट के दिमाग में है सर आपने लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी मेरे को यहां पर शॉर्ट टर्म वॉरिंग बुलाया

कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है उसको अपने को क्लासिफाई करना पड़ेगा और सिक्योरिटी पे कौन सी चीज दी गई वो अपने को बताना रहेगा और अगर कभी वेयर लोन्स हैव बीन गारंटेड बाय डायरेक्टर्स और अदर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन अंडर ईच हेड शैल बी डिस्कलोज अगर कभी कोई लोन की गारंटी कई बार क्या होता है डायरेक्टर्स या किसी ने किसी और ने उसकी गारंटी दे दिया तो कोई अगर गारंटी देता है तो उसको अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसने उसकी गारंटी हमने सिक्योरिटी भी कोई चीज नहीं दी फॉर एक्साम्पल सिक्योरिटी पे अगर कोई चीज देखिए मैंने आपको लोन लिया बैंक से पांच लाख रुपए का और मैं उसके बदले में कुछ चीज सिक्योरिटी पे दे रहा हूं ठीक है कोई एसेट सिक्योर कराए तो वो गया आपका सिक्योर लो लेकिन वो आपसे कह रहे अगर कभी कोई गारंटी भी अपने को ये भी डिस्क्लोज करना होता है कोई गारंटी दे फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया एक करोड़ रुपए का मैंने बैंक को बोला देखो मैं कोई कंपनी मैंने कहा अगर मैं रीपे नहीं कर पाया तो ये डायरेक्टर हमारे बहुत पैसे वाले तो हमारे डायरेक्टर है यहाँ पे हमारे राजदीप राजदीप डायरेक्टर हमारी कंपनी और बहुत पैसे वाले बहुत पैसा है इनके पास मैंने बैंक से लोन लिया समझते इस चीज को ठीक है एक सेकेंड और चीजें भी एक्सप्लेन करें मैंने बैंक से यहां पर लोन लिया मैंने कहा सुनो 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 बैंक ये हूं मैं ये मैं कंपनी हम लोग ने बैंक से लोन लिया मैंने कहा बैंक सुनो 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 अगर पैसा मैं नहीं दे पाया आप फिक्र मत करो हमारे राजदीपुर बहुत पैसे वाले ये रहा राजदीप राजदीप के बाद बहुत पैसा है ठीक है तो राजदीप ने कहा चिंता मत करो ये हमारे कंपनी का डायरेक्टर भी है तो मैंने कहा हमारे डायरेक्टर साहब है राजदीप बहुत पैसे वाले वो बैंक को मैंने कहा अगर मैं पैसा आपको रीपे नहीं कर पाया तो चिंता मत करो आपको राजदीप पैसा दे देगा तो वो बहुत पैसे वाला है तो वो उसको भी अपने को डिस्क्लोज करना अगर किसी ने कभी उसको क्या किया है आपको कभी किसी ने कोई गारंटी दिया तो अपने को डिस्क्लोज डायरेक्टर या कोई और तो हमको डिस्क्लोज करना रहेगा अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके ऊपर मैं आता हूं ओके आई एम टेलिंग यू हम लोग अभी क्वेश्चन पे आए ही नहीं आज तो हम लोग लाइब्रेरी साइड को ही करें। हम लोग अभी क्वेश्चन पे आए ही नहीं है तो मैं लेकिन कैच कर ली इट इज मोर देन इनफ जब मैं क्वेश्चन पे कल आऊंगा तो आपको बहुत आसानी से चीजें वहां पर होते जाएंगे अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि करंट लाइब्रेरी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉर्ंग शैल बी डिस्लोज से मतलब क्या होता है इसको आप समझते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा हूं जब मैं कल क्वेश्चन सोल्व करूंगा जब ये चीजें आएंगे और आपको ये सारी चीजें वहां अच्छा पर समझ में आएंगे अच्छा सर ने कहता है समझते हैं कि इज दिस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म अब मैंने कहा कि मैंने कोई बैंक से लोन लिया ठीक है मैंने कोई बैंक से लोन लिया इसको अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे आप ठीक है मैंने कोई बैंक से लोन लिया और ये लोन मैंने लिया दस साल के लिए तो ये मेरी बैलेंस शीट डेट है ये मेरी बैलेंस शीट डेट है और दस साल के लिए लोन लिया मैंने यहां पर सपोज

और आने वाले सालों में मुझे यहां पे नाइन लैक्स रुपीज पे करना है तो मैंने कहा विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर एक साल के अंदर विद इन वन ईयर मुझे कितना पे करना है एक लाख रुपए पे करना है और मैंने लोन कितने का दस लाख का मैंने कहा एक साल के अंदर कुछ पे करना बचा हुआ बाद में पे करना है। तो है तो ये लॉन्ग टर्म बॉर्विंग लेकिन पहले अभी हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी शेड्यूल थ्री आपका कहता है कि आपके जो भी लॉन्ग टर्म बॉर्विंग जिसकी करंट मैच्योरिटी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरविंग मतलब जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग वो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो वो है लेकिन बच्चों वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है लेकिन वो एक साल के अंदर जो अमाउंट आपको पे करना है दिस इज करंट मैच्योरिटी दिस इज करंट मैच्योरिटी दिस इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिस इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो ये क्या चीज है ये करंट मैच्योरिटी किसकी करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है तो ये लॉन्ग टर्म बोरोंग ही तो मेरी लाइबिलिटी है टोटल दस लाख लेकिन दस लाख रुपए में से एक लाख रुपए मुझे कहां शो करना है उसको मुझे शो करना है शॉर्ट टर्म बोरोविंग पे तो तो आपको जो एक लाख रुपए विद इन वन ईयर जो हमको पे करना है दैट विल कम अंडर शॉर्ट टर्म बोरोविंग और हम उसे किस हेडिंग से बुलाएंगे किस नाम से बुलाएंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नाम से हम लोग उसको बुलाएंगे तो किस नाम से बच्चों उसको बुलाना है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग ठीक है तो जो हमको एक साल के अंदर पे करना है दैट इज करंट मैच्योर है तो लॉन्ग टर्म लेकिन एक साल के अंदर हमको पे कर उसको सेपरेटली शो करना होता है यू नो दैट दो तीन साल पहले तक कि यहां पर ये यह हम लोग करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग को शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते थे फिर एक अमेंडमेंट आया शेड्यूल थ्री में पहले इसको अदर करंट लाइब्रिटी में आता था करंट मैच्योरिटी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले आपके अदर करंट लाइबिलिटीज में आता था, था लेकिन उसको अमेंडमेंट तीन चार साल पहले आया था और अब करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी अदर करंट लाइबिलिटी में ना लिखते हुए आप उसको कहां लिखोगे शॉर्ट टर्म बॉरविंग है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्योंकि हमको जो हिस्सा पूरा मत लिख देना आपने टेन लाख पूरा नहीं ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है यह आपकी नाइन लाख क्या है ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से और ये आपकी कहा आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएंगे इस चीज को ख्याल रखना तो जो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉरविंग है वो आपकी शॉर्ट टर्म बॉरविंग है और उसके बाद जो रहेगा दैट इज लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म वो आपके long -term borrowing. फिर आप इस साल पहुंचे देखिए इतना डिटेल में क्वेश्चंस में नहीं आएगा लेकिन आपको पता रहना चाहिए फिर आप नेक्स्ट ईयर के एंड में आए तो फिर जो उसके एक साल के अंदर पे करें दैट इज शॉर्ट टर्म दैट इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉरविंग दैट विल कम अंडर शॉर्ट टर्म बॉरविंग और बचाओ आपको लॉन्ग टर्म तो इस पॉइंट को आपने ख्याल रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो आपको एडजस्टमेंट दे देता है हाउ मच इसका वो आपको क्वेश्चन में दे देगा लॉन्ग टर्म लाइब्रेटी इतनी लेकिन उसमें से करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉर्विंग इतनी इतनी आपको कुछ क्वेश्चन में देगा तो वो हमको लिखना रहेगा कहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉर्विंग के अंडर में आएगा कैटेगरी में अब मैं आपसे लास्ट जो हमारे लाइब्रेरी वाला नहीं, है एक और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी वो प्रोविजन के बारे में ऑलरेडी आपसे मैं कह चुका हूं अब मैं आता हूं यहाँ पे <clears throat> यहाँ पे प्रोविजन है प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई और प्रोविजन तो अपने डिस्कलोज करना है अब मैं सेवन पॉइंट में आता हूँ अदर करंट लाइविटी अब ध्यान से कोई जल्दबाजी नहीं है एक एक टर्म्स में जो आपको सिखा रहा हूं उस पर अपने को फोकस करना है ठीक है अब यहां पर आपका पहला टर्म है आप लोगों का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोर्ड कई बच्चों को कई बच्चों को नहीं पता होता है और कई बार बाद में भी पूछते हैं इंटर हो जाता है उसके बाद भी कई बच्चों के मैसेज आते हैं कभी सर कभी कोई क्वेश्चन में कहीं यहां पे आ गया लेकिन मैं आपको यहां पे जो समझा रहा हूं उसको तो ध्यान से आपने समझना ठीक है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अक्रूड बट नॉट ड्यू को हाईलाइट किया एंड अक्रूड एंड ड्यू तो देखो दो अलग चीज है अक्रूड बट नॉट ड्यू अक्रूड बट नॉट ड्यू यहां पे क्या कह रहा है वो अक्रूड बट नॉट ड्यू यहां पे वो कह पर अक्रूड एंड ड्यू यहां पे दोनों में फर्क है लेकिन दोनों ये दोनों हमारे अक्रूड बट दोनों में एक्सप्लेन कर तो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूं तो यहां पे मगर दोनों के दोनों हमारे अदर करंट लाइबिलिटी का हिस्सा होता है दोनों हमारे किसके होते हैं अदर करंट लाइबिलिटी का मेरे हिस्सा होते हैं तो मैंने कहा क्यों पहले तो मीनिंग समझते हैं

मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक ने कहा कि देखो दोपहर आपको जब इंटरेस्ट इस लोन पे पे करना रहेगा जब मुझे इंटरेस्ट मुझे इस लोन पे पे करना रहेगा तो बैंक ने कहा कि नहीं नहीं उसकी ड्यू डेट उसने अपने को यहां यहां पे पे दिया तो यहां पे मेरा ईयर खत्म होता है मैंने सपोज यहां पे लोन लिया लोन लिया मैंने यहां पे फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी को लोन लिया कब लोन लिया मैंने फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी को लोन लिया अब मेरा यहां पे साल शुरू हुआ था एक अप्रैल 2023 और मैंने लोन यहां पे लिया फर्स्ट ऑफ जनवरी सपोज 24 को साल मेरा खत्म हुआ थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 24 फोर यहाँ पे साल खत्म हुआ ये बैलेंस शीट डेट है तो अब मगर मैंने कहा तीन महीने ही हुए मुझे लोन लिए कितने महीने हुए बच्चों तीन महीने ही मुझे लोन लिए कितने महीने तीन महीने मुझको लोन लिए अब मैंने कहा कि मैंने लोन लिया था यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जनवरी को और साल मेरा खत्म हो रहा है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को तो फर्स्ट ऑफ जनवरी को मैंने फर्स्ट ऑफ जनवरी को मैंने फर्स्ट ऑफ जनवरी को मैंने लोन लिया

मैंने कहा ठीक है सर मैं उसका पैसा कहां पे दूंगा मैं उसका पैसा दे दूंगा थर्टी जून को मेरे को उसका पैसा देना तो आप कहोगे तो मुझे, हाँ, मुझे बाद में देना होगा तीस जून को भला ही पैसा देना है मेरे को आई एम नॉट लाइबल तीस जून का पैसा देना बट यू नो दैट वी फॉलो अक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने कहा ये पीरियड चलेगा मेरा तो मैंने लोन तो लिया फर्स्ट ऑफ जनवरी को 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 पैसा 30 जून को पे करना रहेगा। लेकिन को यहाँ पे तीन तो मेरे को यहां पर लेकिन यहां पर अक्रू हो गया है। तो है। लेकिन ड्यू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को नहीं हुआ है। वो जून को ड्यू होने वाला है क्योंकि मुझे पैसा कब पे करना है थर्टीथ ऑफ जून को तो भी ये तीन महीने का इंटरेस्ट तो भी ये तीन महीने का इंटरेस्ट जो है मैं थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को तीन महीने के इंटरेस्ट को मैं यहां पे लिखूंगा क्यों ऑफ मार्च को तीन महीने के इंटरेस्ट को लिखूंगा बिकॉज वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हम लोग फॉलो करते सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सो यहां इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब वो अक्रू तो हुआ है लेकिन ड्यू अभी नहीं हुआ बैलेंस शीट डेट पे अक्रू तो हो गया व्हाट डू मीन बाय अक्रू उतना पीरियड वो हो चुका है जब उतना पीरियड वो हो चुका है तो उससे अक्रू तो हुआ बिकॉज वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लेकिन क्या वो ड्यू हुआ? वेदर हमको यहां पे ड्यू नहीं ड्यू कंपनी ने कहा कि 30 जून को पे करा तो ड्यू कब होगा 30 जून का. बट वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो ये तीन महीने के इंटरेस्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रिटी जो हमको पे करना है तो यहां पे इसको पढ़ो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू तो आप जल्दी जल्दी बताएंगे लाइव वाले बच्चों और गूगल ड्राइव वाले बच्चे आपको आप मेरे को अगर नहीं समझे तो आप मेरे को मैसेज करेंगे okay? तो आप सबको समझ में आए दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ओके अब हम लोग यहां पर आते अब मैं यहां आता हूं कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या होता है अगर सपोज मुझको कंपनी कहती है उसी को अपन थोड़ा सा चेंज करते कंपनी कहते नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये आपके एग्जाम्पल इसका हो गया ये आपके एग्जाम्पल इसका हो गया अब मैं यहां पे कहता हूं नहीं 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 कंपनी कहती है नहीं आपको ड्यू डेट अगर अगर आपकी थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ही है मैंने पे नहीं करा मैंने यस क्लियर 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 ओके ओके अजीत सौरभ नीतेश मनीष अनिकेत यस ओके okay. अब वो क्या कह रहे हैं आपसे आप है आपको नहीं नहीं लिया थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को हमारी बैलेंस शीट डेट है और उसी तारीख को कंपनी कहती है कि आपको इंटरेस्ट पे करा है मैंने पे प्लाई नहीं करूंगा लेकिन ड्यू डेट यही थी तो आई एम लाइबल टू पे तो वो अक्रूड भी हो गया अक्रूड भी हो गया क्योंकि हमारा यहां पे भी फॉलो अक्रूल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बैलेंस शीट डेट है और साथ में वो ड्यू भी हो गया ड्यू का मतलब वी आर लाइबल मतलब ड्यू डेट भी होती है अक्रूड एंड ड्यू तो दोनों ही केस में हमारी लाइब्रेड हमने पैसा दिए नहीं मगर तो एक केस में आपका अक्रू हो गया ड्यू बाद में हो गया तो भी हमको उसको रिकॉर्ड करना है बिकॉज वी फॉलो अक्रूल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक केस में हमारा अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया क्योंकि ड्यू डेट भी उसकी थर्टी मार्च थी क्लियर यस yes, प्रथमेश अनिकेत ठीक है सौरभ ओके okay. तो हमारे थर्टी फर्स्ट मार्च को ड्यू भी तो ये डिफरेंस होता है तो अब दोनों जनरली जनरली स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं देते और वो इसको लाइब्रेरी साइड में लिखते लेकिन दोनों की मीनिंग में कुछ फर्क है दोनों की मीनिंग में कुछ फर्क है ठीक है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू अब मैं आता हूं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहां पे दिया हुआ आपका जब आपने कोई सर्विसेस किसी को प्रोवाइड करे जब मैंने उसकी इनकम रिकना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोई किसी को पैसे दे दिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करते फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सपोज यहाँ पे एक बंदा है अपना ठीक है थीके? उसने यहां पे यह है ठीक है उसने कहा यहां पे स्वीटी को स्वीटी 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 सुनो स्वीटी आई उसकी दुकान में तो ये रही स्वीटी ठीक है ओके स्वीटी ना हमारी हर बैच में बहुत फेमस रहती है तो प्रीवियस बैच जो है हमारी कोई भी बैच हो हर बैच में स्वीटी एग्जाम्पल हमेशा आएगा ठीक है बहुत फेमस है वो अब स्वीटी का क्या हुआ कि स्वीटी बोले हमारी आई वो किसके पास आई अभी आई वो मनमोहक के पास आई

वो, अब स्वीटी को देना है 20 दिन बाद नहीं नहीं स्वीटी को देना है आपने अभी तक स्वीटी को दिए नहीं हो अगर दे दे तो वो आपका इनकम होती तो अभी तक दिए नहीं तो आपको इनकम रिसीव इन एडवांस तो ये आपको एडवांस में और ये आपकी लाइबिलिटी क्योंकि आपने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे तो ऐसी कोई इनकम जो आपके एडवांस में है जिससे आपने आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे तो वो आपके लिए क्या हो जाती है लाइबिलिटी वो आपकी इनकम नहीं होती जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हमारे लिए इनकम क्या हम लोग अभी सर्विसेज प्रोवाइड करें द आंसर इज नो हम लोग ने अभी सर्विसेज प्रोवाइड करे नहीं है तो उसके लिए लाइबिलिटी तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री पास नहीं करेगा वो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट और वह एडवांस किस साइड में रिफ्लेक्ट होगा आपका री साइड में आपका रिफ्लेक्ट होगा ओके तो लाइब्रेरी साइड में रिफ्लेक्ट होगा करेंट लाइब्रेरी इनकम रिसीव इन एडवांस इनकम आपने डिविडन डिक्लेयर कर दिए लेकिन अभी तक डिविडन दिए नहीं तो हमको डिविडन ऑब्वियसली देना करंट लाइब्रेड इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक में नहीं लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरो स्पेसिफिक यहां पर अगर नहीं दिए तो उसको अदर कैटेगरी में वो आ जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग ने किसके बारे में बात करें लाइब्रेटी के बारे में बात करें सो so एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हम लोगों ने क्या क्या चीजें अभी हम लोगों ने पढ़े ओके okay? क्विक रिविजन हम लोग कर लेते कि क्या मैं अभी तक एसेट के के एसेट बारे में मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं हूँ मैं एसेट पे आया ही नहीं हूँ अगर आप यहां पे देखोगे इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने अभी डिस्कस करे सिर्फ कौन सी लाइब्रेटी साइड डिस्कस करे तो हम लोग ने क्या क्या चीजें डिस्कस करे बेटा कि हम लोग आप लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का जो होता है अकाउंटिंग साइकिल में कोई चेंज नहीं है अकाउंटिंग साइकिल आपकी वैसी ही रहेगी अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी वैसी ही रहेगी तो इस अकाउंटिंग साइकिल में आपको कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है जो प्रोसेस होती है बेसिक अकाउंटिंग हमेशा वो सेम ही रहेगी लेकिन आप लोगों की जो एडिशनल जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना रहेगा उसमें हम लोग को शेड्यूल थ्री किसके बारे में बात करता है कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए किसके फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा है वो बात कर रहा है बैलेंस शीट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में वो बात करें बैलेंस शीट किस तरीके की होनी चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा किस तरीके का होना चाहिए अब फॉर्मेट के बारे में बात करें अब शेड्यूल थ्री के तीन डिवीजन होते हैं डिवीजन पे हमको नहीं जाना वो इंडियस और एनबी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है डिवीजन वन किसके बारे में बात कराए डिवीजन वन में फिर दो पार्ट है एक है आपका पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट वन किसके बारे में बात कराए बैलेंस शीट के बारे में बात कराए पार्ट टू किसके बारे में बात कराए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात ओके अब यहां पे उसने किस फॉर्मेट में वर्टिकल तो आज हम लोग ने बैलेंस शीट के बारे में बात करें और वो भी सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किए साइड में अब मैं साइड के बारे में बात करूं तो तीन कैटेगरी आप लोग की आती है शेयर होल्डर्स फंड नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड में कौन कौन आता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड तो शेयर कैपिटल में हम लोग देखिए क्या चीज आती है आपकी ऑथोराइड शेयर कैपिटल आपका आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपका आएंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल ओके इड शेयर कैपिटल है वॉट डू मीन बाथोराइज शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप मार्केट में इशू कर सकते उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं उसके बाद आपका आता है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल जो आपने इश्यूड करे जो ऑफर करे जो लोगों ने खरीदे और उसमें पेमेंट करे दैट इज इश्यूर सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कॉस इन अर्जेंस ख्याल रखना उसको अपने को माइनस करना होता है शेयर कैपिटल में क्योंकि उसका कौन सा बैलेंस था डेबिट बैलेंस होता है आपने ऐसे कोई भी शेयर जो अदर देन कैश कंसिडरेशन इशू करे वॉट डीन अदरसिडर शेयर में कोई हमको पैसा नहीं आया तो वाले कि ऐसे जो तो आपने तो लेकिन इसके बदले में पैसा नहीं है एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि आपने बोनस शेयर्स इशू करे या आपने शेयर्स इश्यू करे लैंड एंड बिल्डिंग आपने दी ओके okay? और पिछले पांच साल में ऐसे कोई भी अदर देन कैश कंसिडरेशन आपने इशू करे तो हमको डिस्कलोज करना था सिर्फ नंबर ऑफ शेयर ऐसे कितने वो हमको बताना होता है बाद हमने देखे रिजर्व, 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 रिजर्व एंड लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे कभी अगर आपका सरप्लस मतलब अगर आपका कोई लॉस होता है डेबिट दे बैलेंस का लॉस हुआ तो क्या लॉस को मुझे एसेट साइड में शो करना आंसर इज नो एसेट साइड में हम लोगों को उसको शो करना नहीं उसको एसेट साइड में नहीं बताएंगे उसको so, किस साइड में हम लोग बताएंगे उसको साइड में हमको नेगेटिव फिगर बताना रहेगा नेगेटिव फिगर मैंने हाँ पे बता दिया लेकिन वो नेगेटिव फिगर इनर कॉलम में बताया जो कि लॉस था लेकिन दूसरे रिजर्व के साथ एडजस्ट करे बाद अगर आउटर कॉलम पे भी नेगेटिव फिगर है तो चलेगा हाँ वो भी चलेगा तो आपने इनर कॉलम में नेगेटिव लिखे लेकिन जो पॉजिटिव फिगर थे उनको एडजस्ट करे बाद जो फिगर आउटर कॉलम पे आ रही अगर वो भी नेगेटिव है तो चलेगा द आंसर इज वो भी चलेगा तो आउटर कॉलम पे भी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको नेगेटिव फिगर यहां पे शो करेंगे लेकिन एसेट साइड में रिजर्व एंड को कभी भी शो करना नहीं रहेगा फिर हम लोग ने यहां पे देखिए लॉन्ग टर्म बॉरविंग के बारे में डिस्कस करें और उसके बाद फिर सिक्योर अनसिक्योर वाइफर गेट करना होता है फिर मैंने आपसे बात की अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज तो अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज दो कैटेगरी दी है ट्रेड पेबल एंड अदर इज ट्रेड पेबल अगर आपने गुड्स परचेस करो और जनरली गुड्स क्रेडिट में जब आपने करो जनरली विद इन वन ईयर ही पे करते तो ट्रेड पेबल जनरली आपका करंट लाइब्रेटी में ही आएगा लेकिन अदर करंट लाइब्रेटी में आपका कब आ जा रहा है यहाँ पे अगर आपने कोई गुड्स परचेस करो विच इज रीपेबल आफ्टर वन ईयर आफ्टर ट्वेल्व मंथ के बाद अगर मेरे को पे कर दैट विल कम अंडर अदर लॉन्ग टर्म

वहां पे एग्जाम्पल देखे थे कि हम लोग साल में यहाँ पे जो कमाए यहाँ पे जो हमने बिजनेस करे दैट पास इवेंट और वी आर लाइबल टू पेक्स टैक्स ऑन इट दैट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों आए ड्यू टू सम पास इवेंट एंड वी आर लाइबल टू पे प्रोबेबल आउटफ्लो सो वी कॉल इट प्रोविजन तो प्रोविजन की एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू तो प्रोविजन वैसे प्रोविजन में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू तो प्रोविजन अकाउंट तो दो तरह के प्रोविजन शॉर्ट टर्म जनरली शॉर्ट टर्म ही होता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविजन रेयर केस में तो, तो फॉर एक्साम्प एज फिफ्टीन के बारे में कहा कि कोई इंप्लॉय हमारा रिटायर थर्टी ईयर बाद थर्टी ईयर बाद हम लोग को कोई पेमेंट करना है तो उसके प्रोविजन हमें अभी से क्रिएट करते लेकिन वो तो हमको बहुत लेट पे करना है तो दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन विद इन वन ईयर हमको उसको पे करना नहीं है अब फिर मैंने आपसे कहा ये बोरोविंग को भी शॉर्ट टर्म को सिक्योर अनसिक्योर में आप बताएंगे अगर कोई डायरेक्टर ने गारंटी दी तो वो अपने को बताना रहेगा व्हाट इज दिस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोंग करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉरिंग का मतलब होता है है तो ये लॉन्ग टर्म बोरो लेकिन उसको अगर हम लोगों को विद इन वन ईयर के अंदर पे करना रहेगा उस लॉन्ग टर्म बोरोंग में जो हिस्सा एक साल के अंदर पे करना है जो जो लॉन्ग टर्म बोरोंगे उस लॉन्ग टर्म बोरिंग फॉर एक्साम्पल हम लोग ने दस लाख रुपए का लोन ली दे जो हम लोगों को एक साल के अंदर पे करना है वो होता है हमारा करंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग और बोरोज पर शेड्यूल थ्री हम लोग उसको शो करते शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंडर में उसको हमको शो करना होता है ओके okay. उसके बाद अदर करंट में आपका इंटरस अक्रूड बट नॉट ड्यू उसका मैंने आपको बताया था मीनिंग इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू इनकम रिसीव इन एडवांस Unpaid या कोई और नहीं है, that will come, current liability, जो एक साल के अंदर पे करना, है, okay? तो फिर शॉर्ट प्रोविजन के बारे में हम लोगों ने बात की तो हम लोगों का डिस्कशन आज कौन सा हुआ हम लोगों का डिस्कशन सिर्फ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हुआ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कि रोज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ आपको रोज जो पढ़ा है उसको रोज पढ़ा

इंटरमीडिएट की बात हो तो आपके पास समय नहीं है आप लोग अराउंड हाफ मंथ नाइन मंथ आपके पास होते ठीक है अब इसमें आपको क्लासेस भी कवर करना है और आपको पूरी करना है रेगुलर बैच और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना समय कम है पढ़ना ज्यादा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा डिसिप्लिन डिसिप्लिन और डिसिप्लिन आज से आप उस मोड से बाहर निकल जाना कि नहीं यार ठीक है अभी तो क्लास शुरू है दो चार दिन दस दिन पंद्रह दिन आराम से कर नहीं आप बहुत डिसिप्लिन रखना स्पेशली मैं आप गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं आप लोग की आदत बिल्कुल अपनी बैकलॉग की आदत नहीं डालना देखो आप लोगों का बैकलॉग एक बहुत डेंजर चीज होती है मैं आपको अभी से समझा रहा हूं इस चीज को कि आपने अगर बैकलॉग हो भी गया आपका तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करना रहा तो ये आपने कोशिश करना कि जो लेक्चर रोज एक लेक्चर जो मेगा रोज एक लेक्चर का आपको टारगेट रखा है तो रोज एक लेक्चर आप देखोगे और उसका पढ़ जैसा रोज का रोज पढ़

अभी शुरुआत में मोटिवेटेड रहते आपको हर फैकल्टी कुछ मोटिवेट करेगी आप एकदम फुल मोटिवेटेड रहते लेकिन मोटिवेशन ये कि आपका लास्ट लेक्चर तक आपका मोटिवेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट और वो आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कोई फैकल्टी आपको रोज मोटिवेट नहीं करेगा बेटा आपको सबसे अच्छा मोटिवेशन है अपने आप को आपको खुद को मोटिवेशन करा और मैं आपको ये भी कह रहा हूं रोज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत आज एकदम बहुत मोटिवेटेड है बहुत दिल हो रहा है आज पढ़ना ही पढ़ना है आपको रोज ऐसा नहीं लगेगा कभी डाउन होगा कभी अच्छा लगेगा कभी डाउन फील करूंगा ये नॉर्मल है हर कोई के साथ होता है लेकिन आपको पढ़ना रोज है फिर चाहे आपका इच्छा हो या ना हो दिल करे या ना करे आपको पढ़ना तो रहेगा रोज क्लासेस करें डिसिप्लिन मेंटेन करोगे जब कहीं जाके सिलेबस टाइम पे होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ अकाउंट्स में नहीं सारे आपके जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपके रिवीजन नोट्स रेडी होना चाहिए अकाउंट्स में आपको क्यों रिवीजन नोट्स का रेडी करने की जरूरत नहीं क्योंकि तो रैपिड जिस यही बुक आपकी गेम चेंजर रहने वाली है ये बुक आप लोगों की गेम चेंजर है कि जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगी रिविजन मल्टीपल रिविजन आप इससे कर पाओगे तो क्लास में आप देखोगे मैं जितने बार रिवाइज करूंगा वो तो दो चार बार तो मैं ही करा दूंगा अलग से आपको और चार बार करा तो सात आठ बार जब कोई चीज आपने रिवाइज कर लियो तो आप क्यों नहीं एग्जाम में लिखूंगा आप एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको लिख के आओगे so, ठीक है सो आज आपको होमवर्क क्या है सिर्फ जो मैंने क्लास में पढ़ा इस चीज को पढ़ना है क्वेश्चन मैंने कोई करा नहीं कल क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करने वाले कोई क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं तो कल हम लोग एसिड साइड डिस्कस करेंगे और कुछ मुझे और एडजस्टमेंट आपसे डिस्कस कर देंगे और फिर कल मैं क्वेश्चन पेगा आज सिर्फ मैंने लाइब्रेरी साइड आपसे डिस्कस किया ठीक है तो आप लोग को होमवर्क कल से मिलना शुरू होगा जो आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम करना रहेगा डेली आपको होमवर्क करना है तो रोज होमवर्क आपको करना ही है आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे क्योंकि दिल हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं हो रहा ठीक है थीके? आप ये क्यों मैंने कहा कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपने एक बार इंटर क्रैक करके ना तो फाइनल मोस्ट प्रॉब्लम क्लियर कर ही लो इंटर में वो साइकिल में अपने को नहीं आना है वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वाली साइकिल में नहीं ठीक है तो आपने ये कोशिश करा बेटा तो अच्छे से पढ़ो और दिल लगा के बस मैं जो रोज कहूं हमारे ऑन एंड एवरेज सेवेंटी फाइव एटी लेक्चर्स रहने वाले इतने ही लेक्चर रहेंगे लेकिन हर चीज आपको जो रोज जिस दिन मेरा लेक्चर खत्म हो उस दिन आप लोगों के भी क्लासेस खत्म हो तो आपके सारे प्रैक्टिस जब आप देखोगे जब देख क्वेश्चन बैंक बुक है एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन बैंक तो कल मैं आप लोगों से यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करूंगा इसके क्वेश्चन ये तो क्लास के क्वेश्चन है मैं सॉल्व करूंगा ये तो क्लास के क्वेश्चन है कि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे साथ आपको सॉल्व करना लेकिन जब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जैसे यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है तो जैसे ही मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन जैसे ही आपको दिया तो आप यहां पे देखोगे होमवर्क क्वेश्चन की आप जिसकी मिनट ओके होमवर्क क्वेश्चन ठीक है जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे वन मिनट जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे बेटा यहाँ पे उसके आंसर्स आपको वहीं दिए हुए तो जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं ना ये क्लास के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा तो आपको मेरे साथ सॉल्व करना रहेगा लेकिन जो होमवर्क क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन मैं दिए तो आप क्वेश्चन सोल्व करूंगे वही पे आप चेक करते तो मैंने होमवर्क आपको जब दूंगा कुछ भी हो जाए होमवर्क आपको करना ही रहेगा सोल्यूशन वहां दिए लेकिन आपको सोल्व सॉप करना तो मैं इस तरीके से हम लोग चलेंगे क्लास क्वेश्चन मैं करूंगा तो आपको होमवर्क क्वेश्चन क्लास क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरे साथ आपको भी करना है और होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देते जाऊंगा और वो आपको रोज करना रहेगा उसके बाद जब हमारा चैप्टर खत्म होगा जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर खत्म हुए बाद पहले तो आपने को पूरा हंड्रेड परसेंट करना है और चैप्टर खत्म हुए बाद फिर मैं आपको एल एम एम बताऊंगा दैट इज लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन जो कि आपको रिविजन के वक्त वही करना रहेगा रिविजन कैसे करोगे YouTube पे वीडियोस के अपलोड है YouTube पे वीडियोस इनफैक्ट आप ये चैप्टर्स भी अभी कर अभी भी रिवीजन अगर कभी करना टेस्ट के पहले तो आप वो रिवीजन लेक्चर्स YouTube से देख सकते हो ठीक है वो मैंने रैपिड जिस से ही पढ़ा तो आपको तो आसानी से वहां पे हो जाएगा तो रिवीजन आपको करना रहेगा रेगुलर बैच खत्म हुए बाद और रैपिड जिस और एलेवन क्वेश्चन बस फिर मैराथन के पहले जो मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट बताऊंगा वो करना है और एग्जाम देना आपको जाना रहेगा बस आपको रोज का रोज पढ़ना और जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा उसको फॉलो करना रहेगा तो आज सिर्फ हम लोग लाइब्रेरी साइड ही कवर करे और ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है आज फर्स्ट डे थोड़ा दस मिनट तो दस पंद्रह मिनट थोड़ा पहले खत्म हो रहा है और कल से हम लोग बेटा यहाँ पे एसिड साइड में कवर करूंगा और कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बात करना रहेगा और फिर कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आज का सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है टेक केयर ऑल ऑफ बाय बाय